हेलो 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 एवरीवन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन तो गाइज कल हमारा जबरदस्त सेशन हुआ फर्स्ट डायनामिक सेशन हम लोगों ने किया ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड बैच का पहला सेशन बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हम लोगों ने देखी और मैंने बहुत ही प्यारा सा ऑडियो रिविजन भी आप लोगों को दिया ओके ऑडियो रिविजन भी आप लोगों को मिला होगा अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको बता दूं हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और वहां पे एक टॉपिक है ईओ का एग्जाम ओरिएंटेड जो फास्ट ट्रैक बैच है उसका उस पर जाना बहुत ही आसान है तो अगर आप टेलीग्राम में जाएंगे मैंने लिंक दी थी पहले लेक्चर के नीचे इस लेक्चर में भी मैं दे दूंगा अगर फिर भी फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम जा रहा है उसको ज्वाइन करने में तो मैं आपको बता दूं आप टेलीग्राम में टेलीग्राम में आप ये सर्च कर सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इंटर ऑडिट रवि सर इंटर ऑडिट रवि सर आप सर्च करेंगे तो भी हो जाएगा या फिर अगर आप आपका फोन लेकर अगर ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे अगर आपके पास में टेलीग्राम ऐप है तो जनरली आजकल बच्चों के पास में होता ही है तो आप ये पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यही पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे देखिए ईओ बैच दिया हुआ है ईओ बैच दिया हुआ है और वहां पे और वहां पे आपको ठीक है यू विल बी लेक्चर नंबर वन नंबर वन का रिविजन है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ दिया हुआ है जो क्लास में मेरे नोट्स है उसका लिंक भी दिया हुआ है पर्टिकुलर टॉपिक में सिर्फ मैं ही पोस्ट कर सकता हूं ओनली आई कैन पोस्ट तो इसका मतलब इस टॉपिक में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको बहुत सीरियसली आपको इसको फॉलो करना है ठीक है और कोई भी चीज आती है तो आप ग्रुप पे बिल्कुल डाल सकते हो मुझसे बात कर सकते हो ऑडिट का जो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स बने हैं जो ऑडिट टॉपिक है ऑडिट टॉपिक में आप मुझसे बात कर सकते हो चलिए इसे तो ये तो टेलीग्राम की बात थी गाइज हर लेक्चर का ऑडियो रिविजन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम चेंजर कितना भी प्यारी तरीके से जड़ से हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो हमारे मेमोरी टेक्निक सुपर स्ट्रांग हो बहुत ही स्मूथ नॉलेज हमारे अंदर आ रहा है ठीक है हम हमारी लैंग्वेज को इंप्रूव कर रहे हैं बेहतरीन आंसर हम लिख रहे हैं फिर भी कुछ दिनों बाद में ऑडिट धुंधला हो जाता है आपने जिस तरीके से पढ़ा है जो नोट से पढ़ा है जो चार्ट से आपने पढ़ा है अगर आप उसी से रिवाइज करोगे अगर आप उसी से प्रॉपर रिविजन करोगे तो आप माहौल बना दोगे ठीक है और इसीलिए ऑडियो रिविजन है कल हम लोगों ने बड़ा प्यारा देखा मैं एक क्विक ओवरव्यू दे दू मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है हमारे पास में टाइम का कंस्ट्रेंट होता है हम लोगों ने देखा था क्या होता है एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है इंटरनल ऑडिट ठीक है फिर हमने बड़ी प्यारी डेफिनेशन देखी थी ऑडिट की कि ऑडिट की डेफिनेशन सी ए इंस्टीट्यूट हमको बताता है बहुत सिंपल बहुत ही आसान सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उसमें हम लोगों ने देखे फिर हमने बोला ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बड़े प्यारे हैं ये हमको बताते हैं कि ऑडिट कैसे करना चाहिए उसके अलग अलग सीरीज का एक ओवरव्यू लिया हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे फिर हम लोगों ने बोला ऑडिट के अलग अलग फेजेस होते हैं डिफरेंट ऑफ ऑडिट पांच फेज हम लोगों ने देखे ठीक है एंड देन फाइनली वी स्टार्टेड ऑडिट एविडेंस का रोल क्या होता है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑडिट एविडेंस फिर हमने देखा था कि दो तरह के रिकॉर्ड दो तरह की इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस में आती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आता है और अदर इंफॉर्मेशन आता है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे दो ऑडियो रिविजन सुने अगर आप डेली बेसिस पे दो ऑडियो रिविजन सुनेंगे आप बेहतरीन जबरदस्त कंफर्टेबल रहेंगे आप चौके छक्के मारोगे ठीक है फिर फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑइट एविडेंस देखा नेचर के हिसाब से देखा हमने विजुअल ऑर्ड एविडेंस हम लोगों से बात करते हैं ओरल एविडेंस हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं डॉक्यूमेंट्री ऑर्डट एविडेंस फिर हमने देखा इंटरनल एविडेंस होता है एक्सटर्नल होता है ठीक है? वो भी देखा उसके बारे में पढ़ा, थोड़ा सा मैच कर सको एक्सटर्नल एविडेंस से तो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा आपका जो भरोसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत बढ़ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस आपका सेटिस्फैक्शन आपका जो अश्योरेंस है ठीक है वो बढ़ जाएगा ठीक है वो हम लोगों ने देखा था फिर वहां से हमने बोला था कि भाई सोर्स ऑफ आइडि वो आखिरी चीज थी तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको बराबर पढ़ा बराबर सुना है समझा है और ये जो पहला स्टैंडर्ड चल रहा है ना फाइव हंड्रेड इसमें बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस होंगे बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस होंगे तो हम इसको ज्यादा समय लगाएंगे मतलब ये स्टैंडर्ड को अगर पढ़ाने के लिए ये को पढ़ाने के लिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर दो घंटे लगने हैं लेकिन ज्यादा लगेंगे छह घंटे लगेंगे क्योंकि हम इसके साथ में जो बहुत सारे बेसिक्स है जाएंगे। और ये जो इनिशियल टॉपिक्स इनिशियल लेक्चर्स है इसको अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है तभी जाके हमारा बहुत प्यारा बेस बनेगा आगे का चलिए No. अब हमने बोला यार ऑडिट डिविडेंस बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। अगर हमको पता लगाना है कि इनकम एक्सपेंस एसेट लाइब्रिलिटी अच्छे है कि नहीं तो डिविडेंस बहुत जरूरी है जब हम इनके बारे में कंक्लूजन बनाएंगे इनकम्स को लेकर एक्सपेंस को लेकर एसेट्स को लेकर लाइब्रिटी को लेकर कंक्लूजन बनाएंगे तभी तो तभी तो, तो हम लोग ओपिनियन बना पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर तो डिविडेंस तो यार बहुत जरूरी है अब अगर इतना जरूरी है तो फिर इसको किस तरीके से हम इसको ऑप्टेन करें ठीक है तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर एक बहुत जेनरिक टर्म है ऑडिट का जो भी काम हम परफॉर्म करते हैं जो भी काम हम परफॉर्म करते हैं ऑडिट है, के अंदर वो ऑडिट प्रोसीजर्स ही होता है ठीक है तो बहुत जनरिक टर्म है एक बहुत देखिए लॉ सब्जेक्ट नहीं है वर्ड का एक ही मतलब नहीं होने वाला आप इसको कहाँ यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका मतलब बदलते चले जाएगा ठीक है आइए अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करें किसी भी ऑडिट में इनिशियली हम लोग जाते हैं इनिशियली हम लोग जाते हैं हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कंपनी के बिजनेस को लेकर बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं क्या बिजनेस करते हैं क्या प्रोडक्ट बेचते हैं कौन सा प्रोडक्ट है क्या नाम है किसको बेचते हैं ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट में और कौन बेचता है मोनोपोली है कि मोनोपोलिस्टिक है कि ओलिगोपोली है कि परफेक्ट कंपटीशन है क्या प्राइस में बेचते हैं कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है इसको बनाते कैसे है प्रोडक्शन कैसे होता है इसका रॉ मेटर कहाँ से आता है एंड सो ऑन हम ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं वी अंडरस्टैंड द बिजनेस हम बिजनेस को समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड द बिजनेस हम बिजनेस को समझते कल मैंने आपको बताया था सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के स्टेप्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं ये स्टेप्स और प्रोसीजर्स के जरिए जो ओनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और तो स्टेप्स और प्रोसेस को हम, हम, की, की दव, हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम जाके ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करते हैं बिजनेस की सिस्टम्स की बहुत सारी जानकारी हासिल करना करते क्यों हम लोग ये जानकारी हासिल करते ताकि हम पता लगा सके कि कॉम्प्लीकेशंस कहां पे ताकि हम पता लगाए ताकि हम लोग ये पता लगाए कि भाई कॉम्प्लीकेशंस कहां पे है कि भाई इन्वेंट्री में कॉम्प्लिकेशंस है क्या देखिए जहां पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना वहां पे हो सकता है जो काम कर रहे हैं उनको चाहिए समझ में ना आए गलत तरीके से समझ में आए हो सकता है उनके हाथ से ह्यूमन एरर हो जाए और गलतियां हो जाए हम समझना चाहते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने में कैलकुलेशन है एम्प्लॉयज का जो बोनस कैलकुलेशन है उसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन है आप जानते हैं एएस 22 होता है एएस 22 होता है डेफर टैक्स एसेट लायबिलिटी हो सकता है उसमें ढेर सारे उसमें ढेर सारे ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस हो हम क्यों करते हैं ये ताकि हम पता लगाएं कॉम्प्लिकेशंस कहां है प्रेशर कहां पे है इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है प्रेशर है पूरी दुनिया देख रही है Jio को जियो में ग्रोथ है कि नहीं जियो में रेवेन्यू है कि नहीं जियो में प्रॉफिट है कि नहीं जियो आगे बढ़ रहा है कि नहीं जबरदस्त प्रेशर है हम देखने आते प्रेशर कहाँ पे है क्या टर्न को बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ बढ़ाना चाहते है क्या क्या चीजें बदलना चाहते इतनी सारी चीजें तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जजमेंट के ऊपर बेस्ड है हम देखना चाहते कि जजमेंट कहां पे ज्यादा है इंपेयरमेंट आप जानते हैं एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के बाद कभी कभी और राइट ऑफ करना पड़ता है इंपेयरमेंट बोलते हैं, सही तरीके से डिप्रिशिएट करने के बाद में भी क्योंकि प्रोडक्ट बैन हो गया है प्रोडक्ट बैन हो गया है धंधा खत्म हो गया है अब कुछ काम का नहीं है प्लान इंपेयरमेंट करना पड़ता है बहुत जजमेंट लगता है उसमें हमें सारे एरिया निकालना चाहते क्यों क्यों निकालना चाहते एरिया ताकि हमको पता चले कहां कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है कहां कहां पे बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती है कहां कहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और ये जो पूरा प्रोसेस है इसीलिए किसी भी ऑडिट में शुरुआत में वी कलेक्ट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑप्टेन लॉर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ताकि उसके बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं ताकि उसके बेसिस पे मैं ताकिफाई कर सकूं कहां कहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसेटमेंट है क्या होता है ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट नाम नहीं है रिस्क है मतलब गलती होने के चांसेस है मटेरियल है मतलब बड़ी गलती होने के चांसेस मतलब है मटेरियल मतलब सिग्निफिकेट कोई भी गलती मटेरियल बन जाती है अगर उसके वजह से यूजर्स की डिसीजन बदल हो जाए बदल जाए बचपन से पढ़ रहे ठीक है पांच करोड़ के प्रॉफिट में अगर पांच हजार की गलती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पांच करोड़ के प्रॉफिट में अगर एक करोड़ की गलती है पूरी दुनिया को असर पड़ता है तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की जो गलती होती है उसको हम लोग मिस स्टेटमेंट बोलते हैं ढेर सारी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं बिजनेस को लेकर उसके सिस्टम्स को लेकर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते ताकि उसके बेसिस पे हम पता लगा सके ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कौन से कौन से एरिया में बड़ी बड़ी गलतियां होने के चांसेस है ठीक है तो ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले किसी भी ऑडिट में किसी भी ऑडिट में सबसे पहले ढेर सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है ताकि उसकी भी उस पर रिस्क निकाले और इसको बोला जाता है टेक्निकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यह रिस्क पता लगाने का तरीका है तो किसी भी असाइनमेंट में क्या होने वाला है सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होने वाला है विल बी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑप्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरमेंट सिस्टम हर चीज को लेकर ताकि हम रिस्क निकालें और रिस्क जब निकलती हम पता लगाते कहां कहां पे गलती होती है तो रिस्क दो लेवल पे होती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक असर्शन लेवल अब यहां पे देखो ये बेसिक से अब रिस्क दो लेवल पे निकलती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क निकाली जाती है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है, है। आइए अब उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है अब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवरिस ऐसी ऐसे कंडीशन सरकम ऐसे सिचुएशन ऐसी रिस्क जिसमें हमको ऐसा दिखता है कि गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी कोने में हो सकती है कहीं पर भी हो सकती है तो ऐसे सरकमस्टांसेस को ऐसे रिस्क को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवरिस बोलते हैं एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको फॉर एग्जाम्पल हमको पता चला कि जो कंपनी का कंपनी का प्रोडक्शन हेड है उसकी नीयत खराब है आए दिन वो फ्रॉड करते रहता है हमने देखा है फ्रॉड करता है उसके ऊपर इल्जाम भी लगे वो कंपनी के डायरेक्टर पोजीशन में बैठा है वो कहीं पर भी गलती कर सकता है वो रॉ मटेरियल में भी चोरी कर सकता है डब्ल्यू में चोरी कर सकता है इन्वेंट्री में चोरी कर सकता है कहीं पर भी वो इतना पावरफुल है कहीं पर भी डेटर में गड़बड़ कर सकता है क्रेडिटर में गड़बड़ कर सकता है सैलरी में गड़बड़ कर सकता है कहीं पर भी गड़बड़ कर सकता है अगर ऐसा है तो गड़बड़ कहीं पर भी हो सकती है इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क और एग्जाम्पल देखते हैं सपोज कंपनी एक नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रही है पहले वो लोग टैली यूज करते थे अब वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं नाउ दे आर शिफ्टिंग टू सैप बहुत ही सोफेस्टिकेटेड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सैप SAP. SAP पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब पूरे अकाउंट्स पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करने पड़ेंगे ये शिफ्टिंग में कहीं पर भी गलती हो सकती है नया सॉफ्टवेयर समझने में एम्प्लॉयज को वक्त लगेगा उनके हाथ से कहीं पर भी गलती हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क ठीक है अब मैं आपको फिर से डिफाइंड करूं ऐसी रिस्क जिसके वजह से जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी मटेरियल मिसटेटमेंट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंटेबल रिस्क ओनर में कोई गलत बंदा बैठा है कहीं पर भी गलती कर सकता है इनडेस पे शिफ्ट हो रहा है बहुत सारी एंट्रीज पास करनी पड़ती है कन्वर्जेंस की बहुत सारी एंट्रीज करेक्ट बहुत सारी एंट्रीज पास करनी पड़ेगी कहीं पर भी गलती हो सकती है वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है एनी वेयर थिंग्स कैन गो दैट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क कहीं पर भी गलती हो सकती है तो जब आपको ऐसे सरकम दिखे कि कहीं पर भी गलती हो सकती है उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क बोलते हैं ठीक है अब असर्शन पे आते हैं असर्शन का हम लोग डिटेल मीनिंग थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे लेकिन मैं आपको बता दूं जब हमको पता चलता है टू द पॉइंट कि ये फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल आइटम के ये फाइनेंशियल आइटम में यहां पर गलती हो सकती है फॉर एग्जाम्पल हमको पता चला कि कंपनी का एक प्लांट में मशीन बराबर नहीं चल रही है जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन डिफेक्टिव हो सकता है मतलब उस प्लांट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है जितने भी फिनिश गुड्स हो रहे हैं वो उसमें डिफेक्टिव होने के चांसेस उस प्लांट की इन्वेंट्री इन्वेंट्री डिफेक्टिव होने के चांसेस है अगर डिफेक्टिव होगा तो उसको राइट डाउन करना पड़ेगा उस प्लांट के इन्वेंट्री के वैल्यू गलत होने के चांसेस है तो मुझे पता एग्जैक्टली exactly ये पर्टिकुलर चीज में ये पर्टिकुलर चीज गलत होने के चांसेस इस फाइनेंशियल आइटम में ये चीज गलत गलत होने के चांसेस है उसको हम बोलते असर्शन लेवल रिस्क तो जब हमको अभी डिस्कस करेंगे असर्शन का मतलब बड़ा प्यारा सा है, तो इसलिए रिस्क को दो हिस्सों में बांटा गया है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क जहां पे हमको दिखता है कहीं पर भी गलती हो सकती है और दूसरा असर्शन लेवल रिस्क जब हमको पता है एग्जैक्टली exactly यहां पर गलती हो सकती है आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर किसी भी ऑडिट में जाइए सबसे पहले जाकर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाइए ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करिए देखिए कहाँ पे कॉम्प्लीकेशन प्रेशर और जजमेंट है और सोचिए कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है कहाँ कहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है आपको दो तरह की रिस्क मिल सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क कहीं पर भी गलती हो सकती है और दूसरी रिस्क मिल सकती है टू द पॉइंट यहां पर गलती हो सकती है आइए देखिए इसके बारे में लिखा भी है मैंने इसका आपको ठीक है मैंने आपको एक्सेस भी दे रखा हुआ है नहीं तो आप वीडियो को रोक करके भी इसको आप देख सकते हैं ठीक है देखिए मैं चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज दू एक तूफान कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दू इतनी जबरदस्त आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दू कि फूट फूट के नॉलेज आपसे बाहर आए मजा आ जाए आप लोगों को यार जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए जो मेमोरी बिल्ड हुई है जो लैंग्वेज बिल्ड हुई है अब मैं फोड़ फोड़ के लिख सकता हूं ठीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क जब रिस्क ऐसी है व्हेन रिस्क इज सच दैट मिस्टेटमेंट कैन हैपन इन एनी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टेटमेंट कहीं पर भी हो सकता है एनी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फिर हम लोग उसको बोलते फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क मैंने एग्जाम्पल कोई की मैनेजमेंट पर्सन अनएथिकल है ठीक है कहीं पर भी गड़बड़ कर सकता है कहीं पर भी गलती हो सकती है आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हो टैली से कहीं पर भी गलती हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क आपका अकाउंट सेड इनकॉम्पिटेंट है उसको नॉलेज नहीं है वो नहीं जानता एस को कैसे इंप्लीमेंट करो इन डे को कैसे इंप्लीमेंट करो, करेक्ट जय सर से नहीं पढ़ा होगा जय सर से बंदा पढ़ा नहीं होगा इसलिए ऐसा है तो कहां पे कहां पे इनकॉम्पिटेंट uh, है बंदा करेक्ट नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहा है कहीं पर भी गलती कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल लेकिन असर्शन लेवल क्या होता है जब मुझे पता है एग्जैक्टली exactly कौन से फाइनेंशियल आइटम में कौन से पॉइंट में गलती हो सकती है उसको बोला जाता है assertion level risk. दोनों को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है वो हम लोग देखेंगे इसलिए दो अलग अलग रिस्क हमको दो अलग अलग रिस्क हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो आपके दिमाग में एप्सोल्यूट क्लैरिटी आना चाहिए कि, कि किसी भी ऑडिट में सबसे पहले जाकर हम लोग सबसे पहले जाकर हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं और रिस्क को दो लेवल पे दो लेवल पे हम निकाल के लाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लेकर आते हैं और दूसरा असर्शन लेवल पर हम लोग रिस्क को निकाल कर लाते हैं अब एक बार हमको रिस्क पता चल जाए ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नाम में फर्दर है ठीक है वापस देखिए बहुत रिजिड मत रहिए वर्ड्स को लेकर बहुत रिजिड मत रहिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अगर ऐसा बोला जाए कि रिस्क असेसमेंट के बाद में जो प्रोसीजर हो रही है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है ठीक है तो हम समझ अच्छा ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं या फिर इन जनरल एक प्रोसीजर के बाद में दूसरी प्रोसीजर परफॉर्म होती है उसको भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोला जाता है तो फिर रिस्क असेसमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ठीक है हम लोग ना स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग हमको बहुत शातिर बनाना चाहते हैं बहुत एफिशिएंट बनाना चाहते हैं बहुत ही इफेक्टिव बनाना चाहते हैं बहुत प्यारा कम समय में ज्यादा गलती पकड़ने वाला बनाना चाहते हैं इसलिए ये लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है अगर आ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जैसे हम कंपनी में गए और बातचीत की सब कुछ हम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे हमको पता चला कि इंडस्ट्री रिसेशन में चली गई है इंडस्ट्री रिसेशन में चली गई है हमने पूछा अच्छा रिसेशन में चली गई है हाँ तो बोला इसमें तो फिर आपकी डिमांड कम हो जाएगी आपके सेल तो कम हो जाएगी बोले हाँ, पैसों की दिक्कत होगी बोले हाँ तो हमने बोला भाई पिछले साल क्या हुआ था बताइए जय पिछले बार जब, रिसेशन हुआ, था, क्या हुआ था? जब पिछले बार रिसेशन हुआ था ना जब पिछले बार रिसेशन हुआ था तो फिफ्टी बेटी फिफ्टी परसेंट डेटर ने पैसा डुबा दिया था क्या बात कर रहे फिफ्टी परसेंट डेटर ने पैसा डुबा दिया था ये कब हुआ था बोले आज से बारह साल पहले हुआ था ऐसा ओके अभी कितने डेटर है पांच सौ करोड़ के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और हमको दिखा कि रिसेशन की वजह से डेटर में पांच सौ करोड़ के डेटर है ढाई सौ करोड़ का लॉस हो सकता है ढाई सौ करोड़ का लॉस हो सकता है हमने बोला कितना प्रोविजन बनाए हो बोले पचास करोड़ का प्रोविजन बनाए पचास करोड़ का ढाई सौ करोड़ का लॉस हो सकता है पचास करोड़ का प्रोविजन बनाए हो दो सौ करोड़ की गलती हो सकती है देर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट देर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ टू हंड्रेड क्रोर दो सौ करोड़ की गलती डेटर में हो सकती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में हो सकती है भगवान तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का रिजल्ट यह निकला कि डेटर में ढाई सौ करोड़ की गलती हो सकती है टेंशन में आ जाए सॉरी ढाई सौ करोड़ की गलती हो सकती है 50% का तो प्रोविजन बना के रखा है हमने बोला एक काम करो मैनेजमेंट मैनेजमेंट को बुलाओ भाई मैनेजमेंट बैठो हम आपको बता दें डेटर में हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट किया है आइडेंटिफाई किया है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारा अनुमान यह बोलता है 200 करोड़ की गलती हो सकती है आप हमको बताइए आपके कंपनी में क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इस गलती को प्रिवेंट करने के लिए या फिर इस गलती को डिटेक्ट करके करेक्ट करने के लिए आप बताओ आपके कंपनी में क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है डेटर के लिए साहब बताते हैं ना बहुत ही बढ़िया सिस्टम है हमारे यहां पे अच्छा क्या सिस्टम है बताओ बोले देखो साहब बहुत सिंपल कंपनी वाले लोग बोल रहे हैं कंपनी वाले लोग बता रहे बोले जैसे कोई कस्टमर हमारे पास आता है और बोलता है कि मेरे को तुम्हारा क्रेडिट पर क्रेडिट पे माल उठाना है उधारी पे माल उठाना है अच्छा हम उसको बोलते हैं नंबर वन ये दस पेज का फॉर्म लो इसमें तुम्हारी पूरी जानकारी दो हिस्टोरिकल इसमें पूरी जानकारी दो तुम्हारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दो तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो बिजनेस इंफॉर्मेशन दो दस पेज की पूरी दो स्टेप नंबर टू हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको पता होती होगी क्रिसल इकरा केयर उनको भेजते कि देखो ये हमारा कस्टमर है इसकी क्रेडिट रेटिंग करो कि ये बंदा ये बंदा उधारी को रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा थोड़ा क्रेडिट रेटिंग कर दो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है बता दो ठीक है अब फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आ गया सीधा मेल करते सीएफओ को माननीय महोदय ये, ये पार्टीज है ये ये पार्टीज है क्रेडिट पे माल उठाना चाहती है ये उनकी क्रेडिट रेटिंग है सीएफ बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है शातिर बंदा है वो क्या करता है? कि देखता है वो देखता है भाई अच्छा ये लोग है इतनी क्रेडिट रेटिंग है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो खुद क्रेडिट लिमिट को सेट करता है पचास लाख अस्सी लाख एक करोड़ लिमिट को सेट करता है और ईमेल भेजता है किसको आईटी हेड को ओ हो आई टी हेड वो ईमेल पढ़ता है ओके कस्टमर के अकाउंट बनाता है और अकाउंट के सेटिंग में डाल देता है लिमिट पचास लाख अस्सी लाख एक करोड़ मैक्सिमम लिमिट अब कोई भी बंदा एंट्री पास ही नहीं कर सकता जिससे बैलेंस क्रॉस हो जाए बैलेंस क्रॉस हो जाए साठ लाख अस्सी लाख एक करोड़ आईटी आई डिपार्टमेंट वाला सिस्टम में सेटिंग कर देता है सुपर तो इसका मतलब बहुत सोच समझकर क्रेडिट लिमिट को सेट करते हैं और ये क्रेडिट लिमिट कंपनी में कोई भी तोड़ नहीं सकता नो वन कैन ब्रेक इट जब तक आईटी डिपार्टमेंट और सीएफओ दोनों एक साथ पासवर्ड नहीं डालेंगे कोई भी क्रेडिट लिमिट को तोड़ नहीं पाएगा अरे भाई वाह क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है डेटर पैसा ना डुबाए उसके लिए क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तुम्हारा दिल जीत लिया है आपने बहुत ही बढ़िया जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है आपका ठीक है बहुत प्यारा अब मुझे विश्वास हो रहा है कि डेटर में गलतियां नहीं होगी डेटर पैसा नहीं डुबाएंगे। हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं उसको बोलते थोड़ा टेस्ट करवाइए आपके कितने नए कस्टमर थे स्टेप नंबर वन उनका फॉर्म बताइए स्टेप नंबर टू उनका क्रेडिट रेटिंग बताइए स्टेप नंबर थ्री सी को मेल भेजा वो बताइए स्टेप नंबर फोर आई डिपार्टमेंट को मेल किया वो बताइए और मैं ना मैं तुम्हारे सिस्टम पे बैठना चाहता हूं और खुद अपने हाथों से एंट्री पास करके देखना चाहता हूं कि ये लिमिट क्रॉस हो सकती है कि नहीं हो सकती है जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तुम्हारे सॉफ्टवेयर ने एरर दिखाना चाहिए और हमने करके देखा इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग जाकर एग्जैक्टली exactly कौन से कौन सा वो इंटरनल कंट्रोल है जो डेटर को प्रोटेक्ट कर रहा है वो इंटरनल कंट्रोल हम जाकर टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करना उसको बहुत अच्छे से चेक करना यह देखना कि क्या इंटरनल कंट्रोल बराबर बना है एंड इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली उसको बोलते टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो जब हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम ये चेक करे, देखो पहले बहुत सिंपल शब्दों में समझो टेक्निकल वर्ड्स को गोली मारो पहले कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना पॉइंट याद हो जाएंगे ना टेक्निकल वर्ड्स आपके पीछे दौड़ेंगे बता हूं मैं आपको दौड़ेंगे आपके पीछे ठीक है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग सिस्टम को चेक करते हैं उसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल लेकिन अब आप सोचिए जरा ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना था अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना था करेक्ट लेकिन मैं तो इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा हूं इसीलिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमारा इंटरमीडियरी स्टेप है बीच में का स्टेप है फाइनल स्टेप नहीं है ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमको बताता है कौन से एरिया में हमको कंट्रोल्स अगर अच्छे रहेंगे तो चेकिंग कम करनी पड़ेगी और कौन से एरिया में हमको चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी ये हमको बताता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल होने के बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल होने के बाद ठीक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल होने के बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल होने के बाद हम लोग फाइनेंशियल आइटम्स जब मैं फाइनेंशियल आइटम्स की बात करूं तो आपके इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग इनको चेक करने के लिए जाते हैं, इनको चेक करते बराबर है ना फाइनेंशियल आइटम्स को चेक करने के लिए जाते हैं, जब हम चेक करने के लिए जाते हैं कि फाइनेंशियल आइटम क्या जब हम चेक करने के लिए जाते हैं फाइनेंशियल आइटम्स बराबर है कि नहीं ये कंफर्म करने को जाते हैं उसको बोलते हैं सब्सटैंशियट करना उसको बोलते हैं सब्सटैंशिएट करना और उसको बोला जाता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक इंटरमीडिएट स्टेप है उसके बाद में मेन स्टेप आती है फाइनेंशियल आइटम्स को चेक करने वाली जिसमें हम फाइनेंशियल आइटम्स को चेक करते हैं उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ठीक है तो सबस्टैंडिव प्रोसीजर्स जैसे डेटर का हमने सिस्टम चेक किया वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल था जब हमारा इंटेंशन है ये चेक करना कि सिस्टम बराबर है कि नहीं तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद में उसके बाद में हम फाइनेंशियल आइटम्स को चेक करेंगे तो वो सबस्टेंटिव जब फाइनेंशियल आइटम को चेक करेंगे डेटर को चेक करेंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पांच करोड़ के डेटर है तो मैं लेजर से मैच करूंगा कि लेजर में सही में 500 करोड़ है कि नहीं तो ये सब्सटेंटिव प्रोसेज हो जाएगा जब हम फाइनेंशियल आइटम्स को कंफर्म करते हैं सबस्टेंशियट करते हैं उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोला जाता है ठीक है नाउ इसमें भी सबस्टेंश करने के दो तरीके हैं देर आर टू वेज देर आर टू वेज टू सब्सटैंश पहला आप ना फाइनेंशियल आइटम को कंपेयर करिए पिछले सालों से कंपेयर करिए पिछले साल कितने डेटर थे आप पिछले साल से कंपेयर करिए आप दूसरों से कंपेयर करिए पिछले साल से कंपेयर करिए दूसरों से कंपेयर करिए करेक्ट कंपैरिजन करिए नहीं तो काम करिए रेशो निकालिए डेटर टर्न और रेशो निकालिए डेटर टर्न और रेशो पिछले साल से कंपेयर करिए डेटर टर्न ओवर रेशियो दूसरों से कंपेयर करिए अगर चीजें मैच हो रही है तो यार सब ठीक लग रहा है पिछले टर्न ओवर इस साल उतना ही है लगभग पिछले साल से चीजें मैच हो रही है बहुत बढ़िया सब नॉर्मल लग रहा है सब सही लग रहा है सब नॉर्मल लग रहा है अरे सब सही लग रहा है ठीक है तो उसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर इसमें हम लोग कंपेरिजन्स करते हैं इसमें हम लोग कंपेरिजन्स करते हैं वी गो फॉर कंपेरिजन्स ठीक है बड़ी प्यारी स्टेप है कुछ भी अनयूजल या कुछ भी गड़बड़ कुछ भी अनयूजल या कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो समझ में आ जाता है पकड़ में आ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दाल में काला है गलती पकड़ में आ जाती है I hope it is clear, आपके दिमाग में। नाउ तो सबस्टेंट करने का एक तरीका होता है एनालिटिकल देखिए ये मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से मतलब बता रहा हूं ऊपर ऊपर से मतलब बता रहा हूं आपको एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर अपना पूरा स्टैंडर्ड ऐसे 520, वो पढ़ेंगे आगे चिंता मत करो हर चीज कराऊंगा तुमको ऑडिट में चैंपियन बनाकर ही छोड़ूंगा रग रग में घुस जाएगा ऑडिट इस तरीके से हम पढ़ेंगे भाई बिल्कुल चिंता ना करें उसकी बस मैं जो आपको रास्ता बता रहा हूं उस पर आप शांति से चलते जाइए ठीक है नाउ फिर आगे सब्सटैंशियलट सब्सटैंशियलट आपका एनालिटिकल प्रोसीजर पहला तरीका दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल मैदान में उतरिए जाइए डॉक्यूमेंट्स को देखिए जाइए डॉक्यूमेंट्स को देखिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स लोगों से सवाल पूछिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स जाकर देखिए सही में से सही में सेल हो रहा है क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स जब मैदान में उतरते हैं डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं एसेट्स को देखते हैं लोगों से पूछताछ करते हैं वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही प्यारा सा ऑडिट प्रोसीज अगर आपको हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किसी भी असाइनमेंट में इनिशियली जब हम लोग ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करते ताकि हम रिस्क निकाले उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोला जाता है रिस्क दो लेवल पे निकलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर मतलब कहीं पर भी गलती हो सकती है और दूसरी रिस्क निकलती है असर्शन लेवल पर जहाँ पे आपको पता होता है इस फाइनेंशियल आइटम के इस पर्टिकुलर पॉइंट में गलती हो सकती है रिस्क निकलने के बाद में हम परफॉर्म करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमको पता होता है कहाँ गलती हो सकती है एग्जैक्टली exactly उस एरिया के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को हम लोग टेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फिर लेकिन ये तो बीच में की स्टेप है एक्चुअल फाइनेंशियल आइटम को चेक किया जाता है उसको बोलते सबस्टैंडिव प्रोसीजर जब उसको कंपेयर किया जाता है कंपेयर कर करके चेक किया जाता है उसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स एनालाइज करो एनालाइज और जब मैदान में उतर के डॉक्यूमेंट्स को देखना लोगों से बातचीत की जाती है उसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ ऑफ डिटेल्स तो आई होप टाइप्स ऑडिट प्रोसीजर आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी लेकर आए एब्सोल्यूट क्लैरिटी लेकर आए आइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखो बहुत सिंपल शब्दों में नहीं? यार सदियों से हजारों सालों से एक ही बात है पहले आएंगे कॉन्सेप्ट्स हम आएंगे पहले आएंगे कॉन्सेप्ट्स फिर आएगा मेमोराइजेशन ऑडियो फिर आएंगे ऑडियो के बार बार आपको टच में रहने के रिविजन ठीक है फिर मेमोराइजेशन के बाद में आपका अगला आएगा लैंग्वेज पकड़कर लिखना चीजों को ठीक है तो अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं ये हमारे बेसिक्स ही चल रहे हैं और के बेसिक्स बड़े बेसिक्स फाइनल लेवल तक के बच्चों को दिक्कत होती है समझ में नहीं आते तो जब एग्जामिन किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एग्जामिन किया जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को कि क्या कंपनी ने सिस्टम में प्रॉपर स्टेप्स बनाए क्या स्टेप्स बनाए क्या फॉर एग्जाम्पल कंपनी में गुड्स उतर रहे हैं अनलोड हो रहे हैं अगर कोई काउंटिंग नहीं कर रहा मतलब इंटरनल कंट्रोल में प्रॉपर स्टेप्स नहीं बनाए डिजाइन करना मतलब बनाना डिजाइन करना मतलब टू मेक डिजाइन करना यहां पे इसका मतलब है टू मेक डिजाइन का मतलब बनाना होता है कभी डिसाइड करना भी होता है ठीक है प्रॉपरली डिजाइन नहीं है मतलब प्रॉपर स्टेप्स नहीं है देखा जाता है क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर बने हैं और क्या लोग उनको फॉलो कर रहे हैं आर दे बींग ऑपरेटेड इफेक्टिवली फिर सबस्टैंशिएट करना सब्सटैंशिएट करना मतलब कंफर्म करना मतलब एग्जामिन करना फाइनेंशियल आइटम्स को इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स को सिंपल शब्दों में एकदम ठीक है टेक्निकल पे जाएंगे ना कहा चिंता करते हो मैं हूं ना तुम्हारे साथ बैठा हुआ यहां पर ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ठीक है आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी हो अब हमारे दिमाग में भरपूर क्लैरिटी हो गई है एकदम क्लैरिटी हो चुकी है भरपूर क्लैरिटी हो चुकी है टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को लेकर पहले परफॉर्म होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फिर परफॉर्म होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले कंपनी के सिस्टम्स को चेक करते फिर फाइनेंशियल आइटम्स को चेक करते सबस्टैंशियट करते आइए अब ये तो ऑडिट प्रोसीजर हुए ऑडिट प्रोसीजर हम लोगों ने बोला उसका मतलब हमने समझा ठीक है अब ये जो प्रोसीजर्स है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेथड्स है हाँ रिस्क असेसमेंट में जानकारी हासिल करनी है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेथड्स है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेथड्स है फाइनेंशियल आइटम्स को चेक करना है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेथड्स है उसको बोलते हम लोग मेथड्स ऑफ ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस मेथड्स ऑफ ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस कि कैसे मैं जाकर के चीजों को एग्जीक्यूट करूं और जानकारी लेकर आओ एविडेंस लेकर आओ वापस बहुत सिंपल ऑडिट प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में मेथड्स ऑफ ऑपटेनिंग कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस है ठीक है अब देखो अभी तक मैंने आपको कोई निमोनिक नहीं बनाया सब कुछ बिना निमोनिक के चला रहा हो मैं आपको सच बताऊं निमोनिक आखिरी तरीका होता है याद रखने का आखिरी सबसे सबसे ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री अगर कोई मेथड है याद रखने की तो वो निमोनिक है वो आखिरी में आती है लॉजिक क्लियर हो जाए ना ऐसे चीजें याद रहती है ऐसे ठीक है आइए देखो मैंने कहानी बनाई खुद को इमेजिन करिए खुद को आप इमेजिन करिए इमेजिन ठीक है आप आप फैक्ट्री में गए कंपनी के आप लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं लोग अनलोडिंग कैसे कर रहे हैं लोग प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं लोग पैकिंग कैसे कर रहे हैं लोग सेल कैसे कर रहे हैं लोग डिस्पैच कैसे कर रहे हैं ये तरीका है आप लोगों को देख रहे काम करते हुए उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन यह आपका पहला मेथड है यह आपका पहला मेथड है ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करने का आपका पहला मेथड है यह आपका पहला मेथड है ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करने का इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्जर्वेशन ठीक है फिर आप फैक्ट्री देखने के बाद फैक्ट्री वॉक करते करते गए आपको सिचुएशन में जाना है तो सब याद रहेगा एक रैक है रैक के अंदर फाइलें हैं रैक पे लिखा है सेल्स इनवाइसिस आप एक फाइल को निकालते हो एक फाइल को निकालते हो और आप वो सेल्स की फाइल देखते हो सेल्स की फाइल देखते हो उसमें आप एक सेल्स बिल को पढ़ते हो सेल्स बिल को अच्छे से पढ़ते हो ठीक है कंपनी का नाम बराबर है कि नहीं प्रोडक्ट का नाम क्या है क्वांटिटी क्या है रेट क्या है डिस्काउंट कितना माइनस किया है जीएसटी लगाया है ना टोटल आप अच्छे से एक डॉक्यूमेंट को रीड करते हो जब आप किसी डॉक्यूमेंट को रीड करते हो उसको इंस्पेक्शन बोला जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से एग्जामिन करना या फिर किसी भी एसेट को अच्छे से एग्जामिन करना ऊपर से नीचे तक देखना ठीक है उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं यह अगला मेथड है आपने सेल्स इनवॉइस पढ़ा यह क्या हुआ इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इज अ मेथड इंस्पेक्शन इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस ठीक है फिर इसके बाद फिर इसके बाद आप इनवॉइस में कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी ये कौन सा प्रोडक्ट है ये तो कभी मैंने सुना नहीं ये कौन सा प्रोडक्ट है ये रेट कहां से आया ये डिस्काउंट क्यों दिया हुआ है आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी आपने एम्प्लॉय को बुलाया और आपने उससे पूछना शुरू किया यू स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना जानकारी निकालना अगला मेथड है इंक्वायरी सबसे आसान तरीका है मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस इज इंक्वायरी इंक्वायरी कर करके जानकर निकालो फिर आपने उसको बोला कैलक्यूलेटर लाकर दो कैलक्यूलेटर लाकर दो कैलक्यूलेटर कैलकुलेटर पे मैं डिस्काउंट फिर से निकाल के देखना चाहता हूं जीएसटी फिर से निकाल के देखना चाहता हूं मैं टोटल लगाना चाहता हूं तो ये हो जाएगा रिकंप्यूटेशन दैट इज रिकंप्यूटेशन उसको रिकंप्यूटेशन बोला जाता है ठीक है फिर फिर ये होने के बाद वहां पे एक कंप्यूटर रखा था उस पर जाकर हम बैठ गए उस पर जाकर हम बैठ गए जो काम जनरली कंपनी के लोग करते हैं वैसे ही काम हम करने लगे सेल्स रिपोर्ट वो जनरेट करते हैं हम जनरेट करने लग गए सेल्स अकाउंट का प्रिंट आउट वो निकालते हैं हम प्रिंट आउट निकालने लग गए जो काम जनरली कंपनी के लोग करते हैं वो काम हम करके देखने लग गए हम करके देख रहे हैं, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको बोलते री परफॉर्मेंस री परफॉर्मेंस एक बेहतरीन तरीका है चीजों को चेक करने का एविडेंस ऑपटेन करने का फिर हम कंप्यूटर पे बैठे ही थे हम कंप्यूटर पे बैठे थे हमने मंथली ग्राफ बनाया हम कंप्यूटर पे बैठे थे हमने मंथली ग्राफ बनाया कि भाई इस महीने का सेल पिछले महीने से कंपेयर करते हैं पिछले साल इसी महीने में कितना सेल था ये देखते हैं चलो ट्रेंड देखते हैं सेल नॉर्मल लग रहे है ना कई अजीबो गरीब इंक्रीज तो नहीं है कई अजीबो गरीब डिक्रीज तो नहीं है ऐसा हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपका एनालिटिकल प्रोसीजर हो जाएगा कंपैरिजन अभी आप अरे पूरा ऐसे पढ़ेंगे यार इसके ऊपर क्या बात करते हो आप पूरा ऐसे पढ़ेंगे हम लोग अभी तो सिर्फ इसका आप मतलब समझिए ठीक है इसका मतलब समझिए टेस्ट ऑफ डिटेल में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन उसमें आएंगे बेटा वीरेंद्र वही चल रहा है हमारा आएंगे उसके ऊपर ठीक है फिर आपने देखा कि टॉप कस्टमर्स कौन से एग्जाम्पल है तो आप जो बड़े बड़े कस्टमर है उनसे आप उनको बोल रहे हैं प्लीज बताइए ना इस साल आपको कितना सेल किया गया प्लीज बताइए ना कितना सेल किया गया बताइए ना आपसे कितना बैलेंस लेना है अभी प्लीज बताइए आपके बुक्स के हिसाब से आप बताइए ना हमारे रिकॉर्ड से मैच करेंगे तो ये आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो जाएगा दिस विल बी एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप देखो आप देखिए सात मेथड हो गए एविडेंस कलेक्ट करने के फैक्ट्री में लोग काम कैसे कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन सेल्स इनवॉइस निकालिए सेल्स इनवॉइस निकालिए इनवॉइस को देखिए इंस्पेक्शन समझ में नहीं आ रही थी कुछ बातें पूछिए इंक्वायरी कैलकुलेटर लेकर बैठिए रिकंप्यूटेशन पीसी पे बैठिए जो काम मैनेजमेंट करता है आप करके देखिए रीपरफॉर्मेंस ग्राफिकल एनालिसिस कंपेरिजन करके देखिए कंपेरिजन आप करके देखिए जी एनालिटिकल प्रोसीजर टॉप कस्टमर से Top, बाहर के लोगों से आप जानकारी मंगवाइए एक्सटर्नल कंफर्मेशन अब ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं वन और मोर मेथड्स वन और मोर मेथड्स आर यूज टू एग्जीक्यूट रिस्क ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू एग्जीक्यूट टेस्ट ऑफ डिटेल वन और मोर मेथड टू एक्सिक्यूट ऑडिट प्रोसीजर समझ रहे आप तो जो ऑडिट प्रोसीजर हम डिस्कस करके आए थे देखिए ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस क्या है उसके हिसाब से हमने उसको नाम दिया रिस्क अगर जानना है तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सिस्टम चेक करना है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल फाइनेंशियल आइटम को चेक करना है तो सबस्टैंडिव प्रोसीजर पर्पस के हिसाब से हमने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिफाइन किया अब उसको परफॉर्म करना है परफॉर्म करने के लिए आपको इसमें से मेथड चुनने पड़ेंगे वन और मोर मेथड्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू एग्जीक्यूट सब्सटैंडिव प्रोसीजर दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी इतने जबरदस्त बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे कि आप चाह कर भी इसको भूल नहीं पाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इट कोशिश कर लो आप ठीक है नाउ आइए अब हम लोगों ने क्या समझ लिया हम लोगों ने हम लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर को समझ लिया हम लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर को समझ लिया जी रिस्क असेसमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस समझ लिया जी आइए आगे देखिए अब थोड़ा सा हर मेथड में आगे जाते हैं हम लोग ठीक है ऑब्जर्वेशन में अगर मैं बात करूंगा आइए एक एक मेथड में थोड़ा सा अंदर अंदर जाके आते हैं थोड़ा थोड़ा अंदर जाते हैं ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट प्रोसेस और प्रोसीजर लोगों को काम करते हुए देखना काम करते हुए देखना कैसे वो लोग काम कर रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है बींग परफॉर्म बाय अदर्स फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग काउंटिंग कैसे हो रही है ये ऑब्जर्वेशन है लोग इन्वेंट्री काउंट कर रहे लोग तो कैसे काउंट कर रहे है? उनको देखना ये ऑब्जर्वेशन है और द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम को कैसे फॉलो कर रहे हैं यह ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस और प्रोसीजर आपको सबूत मिलता है कि लोग जैसा बोल रहे हैं सही में वैसा काम करते हैं कि नहीं करते हैं यह आपको एविडेंस मिल रहा है लेकिन ऑब्जर्वेशन का ड्रॉबैक है बड़ी प्यारी मेथड है बड़ी प्यारी मेथड है ऑब्जर्वेशन विजुअल एविडेंस आपको मिलता है विजुअल आंखों देखा ऐसा बोलता है सौ सुनी एक देखी सौ सुनी एक देखी सौ दूसरों की सुनो एक देखो एक खुद अपनी आंखों से देखो वो ज्यादा बेहतर है वो ज्यादा भरोसेमंद है ठीक है लेकिन इसमें ड्रॉबैक है आपको जो एविडेंस मिलता है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम का मिलता है यू गेट एविडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उस मोमेंट पे वैसा हो रहा है उसके पहले क्या हो रहा था आपको नहीं मालूम उसके बाद क्या हो रहा है ये भी आपको नहीं मालूम पहले क्या हो रहा था ये भी नहीं मालूम बाद में क्या हो रहा है ये भी नहीं मालूम ठीक है उस मोमेंट का सिर्फ एविडेंस मिलता है ये ड्रॉबैक है पहले का और बाद में का नहीं पता चलता ठीक है फिर जब लोगों को ये दिखता है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है उनका बिहेवियर बदल जाता है जब आप आपके रूम में बैठे हो घर वाले जब रूम में हैं तो कैसे बैठते हो और कैसे पढ़ते हो वाह वाह और जब रूम अंदर से लॉक होता है तो कैसे बैठते हो और क्या पढ़ते हो पता नहीं दूसरा ड्रॉबैक है हो सकता है लोग दिखावा कर रहे हो द फैक्ट दैट द फैक्ट दैट दे आर बींग ऑब्जर्वड विल चेंज द बिहेवियर दो ड्रॉबैक्स है जी दो ड्रॉबैक है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का प्रॉब्लम है और ऑब्जर्वेशन चेंजेस ओरिजिनल बिहेवियर अरे भाई ये भी प्रॉब्लम है ये भी प्रॉब्लम है तो ऑब्जर्वेशन अच्छी चीज तो है लेकिन बुरी चीज भी है दो इसके अंदर प्रॉब्लम है इसके अंदर ठीक है कोई बात नहीं अरे भाई एक मेथड थोड़ी है काहे चिंता करते हो एक मेथड थोड़ी है हमारे पास में बहुत सारी मेथड्स है साथ साथ मेथड एविडेंस इकट्ठा करने की साथ साथ कोई ना कोई मेथड में तो ऐसा एविडेंस ढूंढ के लाएंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ठीक है नाउ अगला इंस्पेक्शन था जब भी आप देखो इंस्पेक्शन लेटर लेटर लिखा है मैंने क्यों आगे डिटेल में पूरा शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं कहा माथा पच्ची करे कहा इसके बारे में अभी सोचे बाद में पढ़ लेंगे अब इसे इतना समझ लो जब किसी रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट को या किसी एसेट को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है अच्छे से एग्जामिन किया जाता है अच्छे से स्टडी किया जाता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंस्पेक्शन उसी को तो हम इंस्पेक्शन बोलते हैं भाई फिर इंक्वायरी इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ने वाले थोड़ी देर से रिकेलकुलेशन जो कैलकुलेशन हुआ हुआ है ऑडिटर वो कैलकुलेशन खुद अपने हिसाब से अपने बेसिस पे कर कर देखता है वो है री कैलकुलेशन कैलकुलेशन विच इज ऑलरेडी डन इज अगेन कैलकुलेटेड बाय ऑडिटर ऑन हिज ओन विदाउट ऑन हिज ओन दैट इज कॉल्ड एज री कैलकुलेशन उसको री कैलकुलेशन बोला जाता है ठीक है अब सवाल उठता है रीपरफॉर्मेंस जो काम जनरली कंपनी के लोग करते हैं वो काम को जब ऑडिटर खुद परफॉर्म करता है उसको रिपरफॉर्मेंस बोला जाता है इंडिपेंडेंटली ऑन इज ओन खुद एग्जीक्यूट करता है प्रोसीजर्स को सिस्टम्स को कंट्रोल्स को कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स का सिंपल मतलब होता है स्टेप्स या प्रोसीजर्स खुद परफॉर्म करता है उसको रिपरफॉर्मेंस एनालिटिकल प्रोसीजर साहब जी पूरा ऐसे पढ़ेंगे साहब ऐसे 520 पूरा का पूरा ऐसे हम लोग पढ़ेंगे काहे की चिंता है लेटर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऐसे 505 पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट पूरा का पूरा ऐसे पढ़ेंगे काहे की चिंता है अभी छोड़ दीजिए आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और मेमोराइजेशन करिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और जो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं जो मेरा बोलने का लहजा है बोलने का तरीका है आप उससे चीजों को याद रखिए फोड़ दोगे आप लेफ्ट राइट सेंटर पूरा फोड़ दोगे तोड़ दोगे आप ठीक है मैंने एक नोट भी लिखा है टर्म ऑडिट प्रोसीजर इन जनरल मींस परफॉर्मिंग एनी ऑडिट रिलेटेड एक्टिविटी ऑडिट प्रोसीजर मतलब कोई भी ऑडिट का काम करना इज ऑडिट प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन वो वर्ड कहा यूज किया उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं रिस्क असेसमेंट ठीक है उसका मतलब हो सकता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अगर किसी थेरी में आया रहा है, कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है पहले रिस्क निकलती है निकलने के बाद रिस्की एरियाज में तो आप समझ जाएंगे अच्छा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं इट मे सिंपली मीन डिफरेंट मेथड फॉर कलेक्टिंग ऑडिविडेंस अलग कभी कभी ऑडिट प्रोसीजर का मतलब ये जो मैथड्स है, है चिंता ना करे ठीक है कभी कभी बातों बातों में मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस देखो ये लॉ नहीं है बेटा जी ये लॉ नहीं है ये डीटी नहीं है ये आईडीटी नहीं है कि वही वर्ड वही सेक्शन वही सेक्शन आएगा एज इट इज भावनाएं हैं 200-300 साल में लोगों ने जो पढ़ा है समझा है कंपनी के अकाउंटिंग को लेकर कंपनियों के फ्रॉड को लेकर कंपनियों के सिस्टम को लेकर किस तरीके से चेकिंग करना चाहिए उसको लेकर उसका एक एक्सप्लेनेशन है ये ठीक है इसको लेकर चलोगे तो बहुत बढ़िया आगे करोगे तो नाउ इट में सिंपली मीन इट मे सिंपली मीन एनी एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द तो ऑडिट प्रोसीजर ये वर्ड को लेकर इतना भावुक नहीं हो जाना इतना चिंतित नहीं हो जाना इतना टेंशन नहीं ले लेना है ना भाई इतना टेंशन ना लो अंडरस्टैंडिंग तो मैं दिला दूंगा पूरी याद तो मैं सब करा दूंगा चिंता क्या कर रहा चलिए अभी हम लोगों ने लेक्चर में बड़ी प्यारी चीज कवर की बड़ी ही प्यारी टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या परपज है उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है ठीक है और फिर हमने मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस नौ टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पड़ा उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए पर्पज को करने के लिए हम लोग ये मेथड ऑफ ऑडिट एविडेंस यूज करते हैं ये मेथड्स ला के देखेंगे रिस्क कहां है मेथड्स ला के देखेंगे कंट्रोल बराबर चल रहे कि नहीं चल रहे मेथड्स ला के देखेंगे फाइनेंशियल आइटम्स कहा ठीक है नाउ अब एक वर्ड है जी आइए ये वर्ड आपको क्या बताऊ क्या बताऊ क्या बताऊ क्या बताऊ क्या बताऊ क्या बताऊ क्या, क्या, क्या ही बताऊ क्या ही बताऊ क्या ही बताऊ इस वर्ड के बारे में क्या ही बताऊ इस वर्ड के बारे में ठीक है ये जो वर्ड है ये इतनी बार इतनी बार डिस्कस होता है इतनी बार ये आता है एन नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको बार बार लगातार डिस्कस किया जाता है इसका नाम आता है और वो बड़ा प्यारा सा वर्ड है assertion, बड़ा प्यारा सा वर्ड है assertion, गाइस ओके आइए आइए आकर हम लोग देखते हैं नाउ लेट्स सी ओके जस्ट ए मिनिट गाइज जस्ट मिनट गाइस आइए हम पूरी ताकत लगाएंगे ओके गाइस आइए नाउ वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज दैट इज दैट इज असर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है बहुत ही प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असर्शन ठीक है नाउ लेट्स सी ये असर्शन क्या होते हैं ठीक है yes, कभी किसी वीडियो को बच्चे ज्यादा लाइक कर दे तो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है एकदम से ब्लास्ट हो जाता है ठीक है बच्चों को बहुत ही मजा आता है वो वीडियो के अंदर बहुत मजा आया वीडियो के अंदर तो मुझे उम्मीद है बहुत मजा आ रहा तो इस वजह से एकदम से ब्लास्ट हो जाता है ठीक है ओके नाउ गाइस नाउ असर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं असर्शन क्या होते हैं देखो तो अब आप अब आप देखिए असर्ट करना मतलब इंग्लिश में असर्ट करना मतलब कुछ बोलना असर्ट करना मतलब कुछ बोलना कुछ जानकारी देना ठीक है टू असर्ट समथिंग मतलब टू से समथिंग कॉन्फिडेंटली इंग्लिश लैंग्वेज में असर्ट करना मतलब कोई चीज को कॉन्फिडेंटली बोलना टू से समथिंग कॉन्फिडेंटली टू गिव सम इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बोल रहा है मेरे इतने टोटल एसेट्स है मेरी इतनी लाइबिलिटी है मेरा इतना इनकम है मेरा इतना एक्सपेंस है मेरा इतना प्रॉफिट है जेंट लाइब्रिटी है मेरे land and building है, मेरे इतने tangible assets है, मेरे इतने intangible assets है, इतने current assets है, के इनडायरेक्टली जितनी भी इंफॉर्मेशन देता है जितनी भी इंफॉर्मेशन देता है उन सबको उन सबको हम लोग बोलते हैं असर्शंस उन सबको असर्शंस बोला जाता है ठीक है मैनेजमेंट असर्शन बोला जाता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू दे रहे तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन देखिए आप पहले चीजों को समझ लीजिए आप समझने पे ध्यान दीजिए आप समझने पे ध्यान दीजिए ठीक है और कभी अगर आप थक जाओ कि भाई कॉन्सेप्ट की बारिश में हम थक गए हैं कभी ऐसा हो अगर फ्लो जम रहा है तो बिल्कुल फ्लो जमाओ लिखेंगे बाद में ना यार लिखेंगे कौन भाग के जा रहा है लिख लेंगे ना सबकी लिंक दे के रखी है ना मैंने हर चीज की तो लिंक आपको दे के रखी है तो वो आप ठीक है वहां से आप चीजों को देख सकते हैं वहां से आप चीजों को देख सकते हैं वहां से आप चीजों को समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है है ना आइए तो मैनेजमेंट जितनी भी जानकारी दे रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू उसको हम लोग उसको हम लोग बोलेंगे ट विल बी कॉल्ड एज उसको बोला जाएगा भाई साहब दैट विल बी दैट विल बी कॉल्ड मैनेजमेंट असोरशंस उसको मैनेजमेंट असरशंस बोला जाएगा या फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट असरशंस बोला जाएगा यह ब्रॉड मीनिंग है ब्रॉड मीनिंग अब यह बहुत ही ब्रॉड हो गया सर अब एकदम थोड़ा स्पेसिफिक लेकिन पहले ब्रॉड मीनिंग समझना जरूरी है अब स्पेसिफिक मीनिंग में आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरह का डेटा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरह का डेटा होता है ठीक है तीन तरह का डेटा होता है अब ये तीन तरह का डेटा कौन सा है ये तीन तरह का डेटा होता है तीन टाइप की इंफॉर्मेशन होती है और ये तीन टाइप की इंफॉर्मेशन है टी बी डी डी ट्रांजेक्शंस balances and disclosures, transactions, balances पूरे financial statement को उठा के देखलो आप लोगों को तीन तरह की जानकारी मिलेगी तीन तरह की transactions की, balances की और disclosures की transactions मतलब क्या income expense, sale purchase सैलरी अच्छा ट्रांजैक्शन में और क्या आता है कैश इनफ्लो आउटफ्लो ट्रांजैक्शन आपको आज आके ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी या फिर आपको आज आके बैलेंसेस की जानकारी मिलेगी बैलेंसेस की जानकारी बैलेंसेस मतलब क्या एसेट्स या लाइबिलिटीज बैलेंसेस मतलब या तो एसेट्स

assets और liabilities तो assets और liabilities disclosures मतलब क्या नोट्स टू accounts बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं अकाउंट्स बड़े ही प्यारे ठीक है अब आपके financial statement, आपके financial statement में तीन टाइप के हैं आते हैं ट्रांजेक्शन आते हैं ट्रांजेक्शन आते हैं बैलेंसेस आते हैं और डिस्कलोजर्स आते हैं ठीक है ठीके? अब आप अगर ध्यान से देखोगे आप अगर ध्यान से देखोगे सपोज बैलेंस शीट में 100 करोड़ 100 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग है बैलेंस शीट में 100 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग है ठीक है देखिए मेरी सुनती जाइए ज्यादा स्क्रीन पे कम देखिए मुझे सुनती जाइए 100 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग है तो मैनेजमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है ये ना लैंड एंड बिल्डिंग असली है रियल है रियल लैंड एंड बिल्डिंग रियल है सही में ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग है बिल्डिंग्स है फ्लैट्स है प्लॉट्स है सही में है ऐसी चीजें सही में है ऐसी चीजें उसको हम लोग सही में है ऐसी चीजें उसको बोला जाता है एग्जिस्टेंस सही में है मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बोल रहा है ये रियल चीज है लिखी है मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में है ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में है ये चीज एग्जिस्टेंस इज असर्शन एग्जिस्टेंस इज असर्शन रियलिटी में है ये चीज एग्जिस्टेंस इज असर्शन ठीक है फिर फिर इसके बाद फिर इसके बाद इसका मतलब इतना ही है कंपनी के पास एक भी फ्लैट छूटा नहीं एक भी फ्लोर छूटा नहीं एक भी बिल्डिंग छूटी नहीं एक भी स्टेडियम छूटा नहीं एक भी प्लांट एक भी लोकेशन छूटा नहीं एक भी जमीन छूटी नहीं है जितना है इतना ही है मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इट इज कंप्लीट कुछ भी नहीं छूटा है इसमें अमाउंट सही है कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिशन सही है अमाउंट एकदम यही इसका सही अमाउंट है सही कॉस्ट ली थी हमने सही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया था हमने लैंड में तो नहीं होता है बिल्डिंग में होता है वैल्यूएशन सही है हमारे बैलेंस शीट में लिखा है मतलब सच बता रहे हैं हम ही इसके मालिक हैं। हम ही इसके मतलब वो बोल रहे हम ही इसके मालिक है राइट एंड ऑब्लिगेशन मैनेजमेंट चार चीजें बोल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा है मतलब असली है एग्जिस्टेंस कुछ भी छोटा नहीं है कंप्लीटनेस अरे जी हम ही इसके इसका अमाउंट सही है जी वैल्यूएशन अरे भैया हम ही इसके मालिक है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भाई इतना कॉमन सेंस है चार ही होते हैं बेटा जी लैंड एंड बिल्डिंग के ना लैंड एंड बिल्डिंग के चार ही असर्शन होते हैं मैनेजमेंट बोल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार बातें बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में सभी एसेट सभी बैलेंसेस सभी बैलेंसेस सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज लैंड एंड बिल्डिंग हो कि इन्वेस्टमेंट हो कि करंट एसेट हो कि शेयर कैपिटल हो कि आपकी लाइबिलिटी हो जो भी हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार ही बातें बोलते हैं लिखा है मतलब असली है लिखा है मतलब यही कंप्लीट है लिखा है मतलब अमाउंट सही है वैल्यूएशन मतलब हम मालिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एसेट्स के लिए राइट्स वर्ड आता है और लाइबिलिटी के लिए लिखा है बोरिंग है तो है ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन वर्ड आता है लैंड एंड बिल्डिंग के चार असर्शन हो गए जी तो आप सर ऐसा बोल रहे हो फाइनेंशियल आइटम में तीन आइटम होते हैं तीन होते हैं टीबीडी और हर आइटम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन देता है और वो जो इंफॉर्मेशन देता है वो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो मिल रही है ठीक है उसको हम लोग बोल रहे हैं असर्शन ठीक है तो आपने बोला लैंड और बिल्डिंग के चार असर्शन है हर एसेट्स और लाइब्रिटी के चार असर्शन है यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं हर एसेट लाइब्रिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार इंफॉर्मेशन सभी लोगों को देता है सभी यूजर्स को देता है ये चार इंफॉर्मेशन और ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इसी को तो चेक करना है इसी को आप चेक करिए आपको मिस्टेटमेंट मिलेगा जाकर देखिए ना सही में एग्जिस्टेंस है कि नहीं नहीं होगा तो आपको गलती मिल जाएगी फेक एसेट्स मिल जाएंगे जाकर देखिए ना फिक्स एसेट रजिस्टर में सब कुछ आया कि नहीं अगर आपने देखा कुछ चीज छूट गई है आपको मिसिंग एसेट्स मिल जाएंगे जाकर देखिए ना कॉस्ट माइनस डेप्रिशन बराबर किया निकाल कर देखिए ना वैल्यूएशन सही है ना आपको पता चल जाएगा जाके कागजात देखिए ना ओनरशिप के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असली मालिक है कि नहीं पता चल जाएगा ये जो चार असर्शन निकल कर आ रहे हैं इन्हीं को तो चेक करना है इन्हीं को चेक करना है इसीलिए ऐसा बोला जाता है असर्शन को चेक करोगे तो आपको मिस्टेटमेंट मिल जाएंगे पता चल जाएगा मिस्टेटमेंट है कि नहीं गलती है कि नहीं इन्हीं को तो चेक करना है अगर ये चार असर्शन सही है तो फाइनेंशियल आइटम सही है ये चार असर्शन सही है तो फाइनेंशियल आइटम सही है जैसे दिमाग ठीक है दिमाग करेक्ट थ्रोट हार्ट हार्ट स्टमक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये चार चीजें सही है अगर ये चार चीजें सही है तो भाई साहब तुम्हारी हेल्थ सही है ऐसे ही है चार चीजें सही है तो लैंड एंड बिल्डिंग सही है आई होप आपके दिमाग में होगी। अब ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट आया क्यों असर्शन कॉन्सेप्ट आया क्यों ध्यान सुन लो रिस्क इज आइडेंटिफाइड एट असर्शन लेवल मतलब क्या सुनो अगर हमको पता चला कि ये बिल्डर बहुत ही कमीना है खुदता कमीना है ये बोलता है ये बोलता है कि मेरे बिल्डिंग के 20 फ्लोर है होते सिर्फ 18 है ये बहुत बार बोलता है वैसे फ्लोर्स ही नहीं होते वैसे फ्लैट ही नहीं होते वैसे प्लॉट ही नहीं होते वैसे घर ही नहीं होते वैसी चीजें ही नहीं होती वैसी चीजें ही नहीं होती भाई साहब वैसी चीजें ही नहीं होती झूठ बोलता है मतलब रिस्क किसमें है एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में रिस्क है अगर हमको लगता है ये बिल्डर छुपा के रखता है प्लॉट्स नहीं बताता प्लॉट्स नहीं बताता फ्लैट्स नहीं बताता चीजों को छुपा छुपा के छुपा छुपा के छुपा छुपा के, छुपा -छुपा के रखता है मतलब कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है ये बिल्डर ये बंदा डेप्रिसिएशन बराबर माइनस नहीं करता डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज करता है अमाउंट गलत है मतलब वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदता है इसका टाइटल क्लियर नहीं होता है. मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में प्रॉब्लम है दे इज अ प्रॉब्लम विथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में प्रॉब्लम आई साहब तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में प्रॉब्लम है तो बच्चों ऐसा है कि रिस्क असर्शन लेवल पे निकलती है कि भाई एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम है कि कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है कि वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में प्रॉब्लम है किस में प्रॉब्लम है रिस्क निकलती है अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं रिस्क इज आइडेंटिफाइड एट असर्शन लेवल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एट असरशन लेवल डेटर के वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है तो वैल्यूएशन को प्रोटेक्ट करने वाला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे डेटर के वैल्यूएशन के लिए ऑडिट एविडेंस लेकर आएंगे डेटर के वैल्यूएशन के लिए ऑडिट एविडेंस लेकर आएंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन देखेंगे बराबर मैच होता है बाहर से डेटर ने डेटर ने बोला है मेरा बैलेंस इतना है वो मैच करेंगे देखो वापस क्या बोल रहा रिस्क इज आइडेंटिफाइड एट असर्शन लेवल ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड एट असर्शन लेवल टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसी असर्शन के लिए परफॉर्म करेंगे वैल्यूएशन सबस्टेंटिव प्रोसीजर उसी असर्शन के लिए परफॉर्म करेंगे अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा ऑडिट एविडेंस इज ऑप्टेड एट असरशन लेवल कंक्लूजन इज मेड एट असर लेवल हमारी चेकिंग को टू द पॉइंट बनाने के लिए हमारी चेकिंग को टू द पॉइंट बनाने के लिए स्पेसिफिक बनाने के लिए टू द पॉइंट बनाने के लिए स्पेसिफिक बनाने के लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया असरशन लेवल का ठीक है एक पैरेलल एग्जांपल लेता हूं पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे लिए बहुत हमारा देश का प्राइड है हमारे जो देश के दुश्मन है हमारे जो देश के दुश्मन है हमको हिट करने की कोशिश करेंगे हमको हिट करने की कोशिश करेंगे ये पर्टिकुलर डेट्स पे हमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे पूरे कंट्री में कहीं पर भी गलती हो सकती है कहीं पर भी प्रॉब्लम आ सकता है कहीं पर भी अटैक हो सकता है यह दो डेट्स में कहीं पर भी अटैक हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क देर इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क ठीक है फिर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क नाउ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क आपका हो जाता है लेकिन मुझे पता है कि जब बर्फ पिघलती है काश्मीर में जब बर्फ पिघलती है तो बॉर्डर से इनफिल्ट्रेशन होता है और अटैक होता है मुझे पता है एग्जैक्टली exactly ये पर्टिकुलर रीजन में रीजन में गड़बड़ होने वाली है तो मैं एग्जैक्टली exactly वहां जाकर ज्यादा फोर्स को लगाऊ वहां जाकर ज्यादा फोर्स को लगाऊ वहां, लगा। वहां जाकर मैं अटैक करूं वहां जाकर मैं चीजों को ठीक इज असर्शन लेवल रिस्क असर्शन का कॉन्सेप्ट हमारे ऑडिट प्रोसीजर को टू द पॉइंट बनाता है स्पेसिफिक बनाता है स्पेशलाइज बनाता है ठीक है जैसे डॉक्टर आपके ब्रेन के डॉक्टर है आपके गले के डॉक्टर है आपके हार्ट के डॉक्टर है आपके पेट के डॉक्टर है स्पेशलाइजेशन है, है ताकि जहां दिक्कत हो एग्जैक्टली exactly उसके स्पेशलिस्ट से मिलो एग्जैक्टली exactly उसकी ट्रीटमेंट लो करेक्ट ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस नाउ जैसे आपके एसेट्स और लाइब्रिटी के असर्शन होते हैं आई होप आपको तूफान मजा आ रहा है जबरदस्त मजा आ रहा है आपके दिलो दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जा रहे हैं, ठीक है नाउ जैसे आपके बैलेंस शीट के बैलेंस शीट के बैलेंस शीट के आपके एसेट्स और लाइब्रिटी के असर्शन होते हैं वैसे आपके पीएनएल के भी होते हैं आपके पीएनएल के भी असर्शन होते हैं ध्यान देंगे इनकम एक्सपेंस आपके ट्रांजैक्शन के सपोज सेल्स हजार करोड़ का ट्रांजैक्शन हजार करोड़ के सेल्स दिख रहे आपको मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है ये सेल असली है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि ये सेल असली है ये सेल असली है व्हाट इज द असर्शन मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बोल रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बोल रहे कुछ भी छूटा नहीं है कुछ भी छूटा नहीं है नथिंग इज लेफ्ट आउट कोई भी ट्रांजेक्शन छूटा नहीं है नथिंग इज लेफ्ट आउट कंप्लीटनेस इज द असरशन अमाउंट सही है यही सही अमाउंट है इतनी क्वांटिटी इनटू इतना रेट यही सही अमाउंट है एक्यूरेसी इज द असर्शन। देखो तीनों मैच होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में चीजें असली है उसके लिए एग्जिस्टेंस था यहां पे ऑकरेंस है वहां पे कुछ छूटा नहीं कंप्लीटनेस था यहां पर भी कंप्लीटनेस है वहां पे अमाउंट सही है वैल्यूएशन है यहां पे अमाउंट सही है एक्यूरेसी है वहां पे एक स्पेशल था वहां पे एक स्पेशल था एक स्पेशल था और वो स्पेशल था राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यहां पे दो स्पेशल है क्लासिफिकेशन मतलब कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू क्लासिफिकेशन सही हुआ है रेवेन्यू में लिखा है मतलब रेवेन्यू नेचर का ही होगा रेवेन्यू के अंदर भी सही बिजनेस में क्लासिफाई हुआ है बिजनेस में भी सही डिपार्टमेंट में क्लासिफाई हुआ है क्लासिफिकेशन इसका मतलब कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रेवेन्यू में भी बिजनेस बिजनेस में भी सही अकाउंट में लिखा गया है ट्रांजैक्शन कैसा होता है बच्चों कंटिन्यूसली होते कंटिन्यूसली होते रहते हैं ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन चलते रहते है. इसीलिए डर होता है कहीं इस साल के ट्रांजैक्शन अगले साल ना चले जाए या अगले साल के ट्रांजैक्शन इस साल ना आ जाए हमेशा से हमेशा से इस बात का डर होता है इस बात का डर होता है इसीलिए तो हम लोग थर्टी मार्च तक की चीजें लेते हैं कट ऑफ मतलब कट ऑफ जो आखिरी डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की जो आखिरी डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की जिसके उस पार अगला साल है और इस पार ये साल है उस आखिरी डेट को कट ऑफ बोलते हैं नाउ लिसन कट ऑफ मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है सिर्फ आखिरी दिन तक के ट्रांजैक्शन आए हैं ना इस साल के ट्रांजैक्शन अगले साल गए हैं ना अगले साल के ट्रांजैक्शन इस साल आए हैं मैनेजमेंट बोल रहा है कि कट ऑफ बराबर फॉलो किया गया है ना इस साल की चीजें अगले साल गई ना अगले साल की चीजें इस साल आई इसको कट ऑफ बोलते हैं कॉल्ड देखिए बहुत क्रूशल देखिए हमको हमारा फाउंडेशन मैं आपको बता रहा हूं हमको पूरे ऑडिट कोर्स में सबसे ज्यादा टाइम इसी चैप्टर को लगेगा चैप्टर नंबर फोर को इसके बाद में चैप्टर नंबर टू में सिर्फ एक ऐसे है तीन चैप्टर नंबर वन में सिर्फ एक ऐसे है 200 चैप्टर नंबर सिक्स में सिर्फ एक ऐसे है 230 फिर आपके छोटे 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 बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे ठीक है ग्यारह चैप्टर एक बार बेस बन जाए ना तो फिर हम स्मूथली ग्लाइड करेंगे स्मूथली चलेंगे फिर लेकिन बेस बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए तो आपके लैंड एंड बिल्डिंग के चार असर्शन होते हैं और आपके ट्रांजैक्शन के आपके छह होते हैं ठीक है सॉरी पांच होते हैं ऑकरेंस एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन कट ऑफ चार और पांच बस जैसे डिस्क्लोजर्स जो होते हैं उसके भी असर्शन सेम लाइंस पे होते हैं आपके जो डिस्क्लोजर्स है डिस्क्लोजर है वो भी असर्शन आपके सेम लाइंस पे होते हैं अभी उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग आगे जब मौका आएगा उसको पढ़ेंगे ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट असर्शन का अब आप बहुत सिंपल शब्दों में कोई भी फाइनेंशियल आइटम जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है जो पॉइंट हमको बता रहा है उसको असर्शन बोलते हैं मतलब किसी भी फाइनेंशियल आइटम का जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है स्पेसिफिक पॉइंट है वो असर्शन है लेवल मतलब मुझे पता है एग्जैक्टली exactly इस फाइनेंशियल आइटम के इस पॉइंट में प्रॉब्लम है अगली बार असर्शन वर्ड आए तो समझ जाना उसका मतलब है ये फाइनेंशियल आइटम के ये पर्टिकुलर पॉइंट में गड़बड़ है ये पॉइंट में प्रॉब्लम है आइए now so specific information which is given by financial data is called assertion if we check assertion we automatically check financial item isko check karke hi humko mil jayenge कि कोई financial item में material misstatement तो नहीं है जैसे बॉडी के चार पार्ट चेक कर लो आपको पता चल जाएगा कोई जानलेवा कुछ तो नहीं है कोई जानलेवा प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया आपने खूब एंजॉय किया ये जो कॉन्सेप्ट था ये जो कॉन्सेप्ट था असर्शन का लेकर ठीक है असर्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको खूब मजा आया इसके अंदर क्योंकि बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही ठीक है बहुत ही बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही मजा आता है ठीक है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में नाउ चलिए अब आगे बढ़ते नाउ लेट्स सी गाइस अब हम अब हम लोग देख के हमको मजा आ गया गया, दिल खुश हो गया। ठीक है? देखो आज हमने क्या पढ़ा आज हम लोगों ने पढ़ा ऑडिट प्रोसीजर पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है उसके बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है उसमें पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है और उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर बड़ा प्यारा पढ़ा फिर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस ठीक है क्या मेथड हम लगा सकते हैं सबूतों को इकट्ठा करने के लिए क्या मेथड हम लोग लगा सकते हैं प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए करेक्ट तो वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया और फिर हम लोगों ने पढ़ा असर्शन क्या होते आइए अब इनकी हॉट चीज फेवरेट चीज हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों मैं जानता हूं ऑडिट हमारा इतना प्यारा सब्जेक्ट है इतना महान सब्जेक्ट है इतनी प्यारी प्यारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है ठीक है और ये पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आपके दिमाग आपका दिमाग थोड़ा जाम हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है थोड़ी कठिनाई हो सकती है ठीक है आई अंडरस्टैंड ऐसा हो सकता है दिस कैन वेरी मच हैपन दिस कैन दिस कैन वेरी मच हैपन करेक्ट जो लाइव देख रहे हैं साथ साथ में थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं देख क्या है एग्जाम वेटेड बैच में ना मैं बहुत सारे किस्से कॉरपोरेट फ्रॉड्स बहुत सारे अलग अलग किस्से प्यारे प्यारे किस्से ठीक है बहुत ज्यादा मैं नहीं सुना सकता आप लोगों को और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली बातें भी मैं नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि बच्चे इसमें टू द पॉइंट एकदम पढ़ना चाहते हैं और बहुत बार एग्जाम के नज़दीक ये कोर्स परचेस करते उसको देखते हैं और उस वक्त उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट की बारिश चाहिए उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट की बारिश चाहिए और उसके अलावा ठीक है उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए होता है दे डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स तो इस वजह से हम भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे चीजों को विल we'll कीप इट रिस्ट्रिक्टेड ठीक है आइए नाउ देखिए इंस्पेक्शन ऑडिट ऑडिट परफॉर्म करना है ऑडिट जब आप परफॉर्म करते हो तो बहुत ही पॉपुलर तरीका है ऑडिट को परफॉर्म करने का एविडेंस ऑप्टेन करने का बहुत प्यारा तरीका है इंस्पेक्शन मतलब मानकर चलो ऑडिट में ऑडिट में फिफ्टी परसेंट टाइम फिफ्टी परसेंट टाइम अगर आप कुछ कर रहे होंगे तो आप इंस्पेक्शन कर रहे होंगे फिफ्टी परसेंट टाइम और थर्टी परसेंट टाइम आप कुछ कर रहे होंगे तो आप इंक्वायरी कर रहे होंगे मतलब 50 परसेंट टाइम आप इंस्पेक्शन कर रहे होंगे 30 परसेंट टाइम आप इंक्वायरी कर रहे होंगे और 20 परसेंट टाइम बाकी सब कुछ कर रहे होंगे यू विल बी डूइंग समथिंग एल्स ऑल बाकी सब कुछ ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड तो इस इसपे शॉर्ट नोट आएगा और देखो कितनी प्यारी तरीके से मैं आपको याद करवा देता हूं देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेमोरी में फिट करो कौन से मुद्दों को लिखना है कौन से मुद्दों को लिखना है टेक्निकल वर्ड्स चार्ट में अपने वर्ड्स में लिख देना है कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है ठीक है ना इंस्पेक्शन पे आइए इंस्पेक्शन पे आइए ठीक है सबसे पहले आपको चार बातों पे हिट करने वाला है चार्ट इतने प्यारे देखते समझ में आता है चार बातों पर हिट करने वाला वी आर गोइंग टू हिट ऑन फोर थिंग्स लेस अंडरस्टैंड सबसे पहले डेफिनेशन सबसे सबसे पहले डेफिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन ठीक है सर पांच मिनट का ब्रेक दे दो सर कुछ तो रहम करो सर ठीक है बेटा दक्ष यार ऐसी जनरल बातें नहीं करेंगे अभी तो इसमें हम जनरल बातें नहीं करेंगे बेटा ठीक है चलो मैं इंस्पेक्शन ठीक है इंस्पेक्शन पढ़ाता हूँ उसके बाद में ब्रेक देने का सोचता हूँ यार मेरे को पढ़ाने में इतना मजा आता है इतना मैं उसमें घुस जाता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तीन चार घंटे बोलता ही जाऊँ सर आपका ठीक है हमारा क्या हमारा हमारा क्या ठीक है हमारा क्या बोले ओके okay. मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात कि तुम्हारा क्या ओके आइए नाउ सी इंस्पेक्शन मतलब क्या जब ऑडिटर एग्जामिन करता है किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी रिकॉर्ड को या किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी रिकॉर्ड को या फिर किसी भी record, किसी भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट या फिर फिजिकल एग्जामिन करता है किसी भी एसेट का जब कोई ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट का या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है किसी भी एसेट का तो उसको इंस्पेक्शन बोला जाता है देन इट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन ठीक है अभी जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट कंपनी के अंदर का भी हो सकता है इट कैन बी इंटरनल इट कैन बी एक्सटर्नल कंपनी के अंदर बना हुआ ये डॉक्यूमेंट हो सकता है कंपनी के अंदर बना हुआ जी हो सकता है कंपनी के अंदर बना हुआ सेल्स इन्वाइस हो सकता है कंपनी के अंदर बना हुआ सैलरी स्लिप हो सकता है या फिर कंपनी के बाहर से आया हुआ इनकम टैक्स का नोटिस हो सकता है बाहर से आया हुआ इनकम टैक्स का नोटिस हो सकता है कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन हो सकता है बैंक का स्टेटमेंट हो सकता है इट कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल पेपर फॉर्म में हो सकता है प्रिंटेड पेपर फॉर्म में हो सकता है इट कैन बी पेपर फॉर्म इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर आजकल बहुत नई नई चीजें आ गई है ठीक है बहुत सारी नई नई चीजें आ गई है हो सकता है ये जो चीज प्रिंटेड है ठीक है जो चीज प्रिंटेड है प्लास्टिक के ऊपर प्रिंटेड हो सकती है प्लास्टिक के ऊपर प्रिंटेड हो सकती है आजकल नोट प्रिंट होते हैं प्लास्टिक के नोट होते हैं प्लास्टिक के ऊपर प्रिंटेड है कार्डबोर्ड के ऊपर प्रिंटेड है डिस्क कोई प्लेट है उसके ऊपर प्रिंटेड है मैग्नेटिक टेप पुराने जमाने का मैग्नेटिक टेप के ऊपर प्रिंटेड है मैग्नेटिक टेप के ऊपर प्रिंटेड है ठीक है तो एनी अदर मीडिया तो पहले आप डेफिनेशन बताओगे इंस्पेक्शन मतलब किसी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना या फिर या फिर किसी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट फिर आप बताइए डॉक्यूमेंट कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल इट कैन बी ऑन पेपर फॉर्म इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इट कैन ऑन एनी अदर मीडियम एनी अदर मीडियम हो सकता है नाउ फिर हम बात करते हैं नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैं ये तो डेफिनेशन हो गई फिर आप बात करिए टॉक अबाउट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी मतलब क्या सर इंस्पेक्शन करके मुझे कितना रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी कितना रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो डिपेंड करता है कि जो डॉक्यूमेंट को मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं वो कितना रिलायबल है अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तो ज्यादा मुझे रिलायबल एविडेंस मिलेगा अगर अगर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होगा तो ज्यादा मुझे रिलायबल एविडेंस मिलेगा तो डिपेंड करता है जिस चीज का इंस्पेक्शन कर रहा हूं वो कितनी भरोसेमंद है वो कितनी रिलायबल है बाहर से आने वाली हर चीज ज्यादा रिलायबल होती है क्योंकि कंपनी के लोग उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते ठीक है ओरिजिनल चीज हमेशा ज्यादा रिलायबल होती है एज कंपेयर टू डुप्लीकेट कॉमन सेंस है वो तो क्योंकि उसमें भी मैनिपुलेशन करना मुश्किल होता है अब ध्यान सुनिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ऑडिट प्रोसीजर से हम क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट पर्पस के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर को हम लोगों ने पर्पस के हिसाब से समझा था कि रिस्क निकालना चाहते हैं तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सिस्टम को चेक करना चाहते हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल फाइनेंशियल आइटम को चेक करना चाहते हैं तो सब्सटैंडिव प्रोसीजर ठीक है परपस की क्या चेक करना चाहते हैं और फिर मैंने आपको बोला था कि जो भी आप चेक करना चाहते हो आप वन और मोर मेथड्स यूज कर सकते हो हमने मेथड्स अभी देखे ऑब्जर्वेशन से लेके एक्सटर्नल कंफर्मेशन तक ऑब्जर्वेशन से लेके एक्सटर्नल कंफर्मेशन तक अभी हम लोगों ने मेथड्स देखे ठीक है नाउ होगा गाइस अब मैं जो बोल रहा ध्यान सुन इंस्पेक्शन को मैं यूज कर सकता हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए या फिर मैं इसको यूज कर सकता हूं सबस्टेंशियट करने के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ही अलग होती है मैंने आपको बताया सब्सटैंशियट करने के दो तरीके आप सिर्फ कंपैरिजन कंपैरिजन खेलो एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के कंपैरिजन कंपैरिजन खेलो उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर दूसरा होता है कि आप मैदान में उतरो टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो अब सुनो इंस्पेक्शन को मैं यूज कर सकता हूं टेस्ट ऑफ डिटेल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं आप समझ लो एग्जाम्पल से आपको समझना है देखो कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि कोई भी खर्चा कोई भी खर्चा जैसे ही कोई भी खर्चा करना है और उसका अमाउंट अगर 10 लाख के ऊपर जा रहा है तो पहले जो बंदा खर्चा करना चाहता है वो एक वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा वो एक रिक्वेस्ट बनाएगा उसके ऊपर क्या खर्चा है बताएगा रीजन बताएगा सिग्नेचर डालेगा वो फिर उसके ऊपर दो डायरेक्टर्स को साइन करना पड़ेगा दो डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा उसके बाद में ही आगे वो खर्चे के लिए पैसे दिए जाएंगे कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है दस लाख के ऊपर खर्चा जाएगा तो दो डायरेक्टर का ऑथराइजेशन लगेगा दो डायरेक्टर का ऑथराइजेशन लगेगा अब बात को समझिए ऑथराइजेशन इज अ वेरी पॉपुलर ऑथराइजेशन सिग्नेचर ऑथोराइजेशन सिग्नेचर इज अ वेरी पॉप्युलर इज अ वेरी वेरी पॉप्युलर वे इज अ वेरी पॉप्युलर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हर बड़ी चीज के लिए पहले ऑथराइजेशन लगता है अप्रूवल लगता है ऑथराइजेशन इज अ वेरी वेरी पॉप्युलर कंट्रोल एक्टिविटी ज ए वेरी पॉपुलर कंट्रोल एक्टिविटी वेरी पॉपुलर अब मुझे यह चेक करना है कि क्या ऑथराइजेशन सही में बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो मैं डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करूंगा डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करूंगा और देखूंगा कि इसपे सिग्नेचर है कि नहीं इसपे स्टैंप है कि नहीं ये मैं देखूंगा जब मैं डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करता हूं और देखता हूं जब मैं डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करता हूं और देखता हूं कि इस पर सिग्नेचर है कि नहीं इस पर सिग्नेचर है कि नहीं इस पर स्टैंप है कि नहीं इस पर सिग्नेचर है कि नहीं इस पर स्टैंप है कि नहीं ठीक है सिग्नेचर है कि नहीं स्टैंप है कि नहीं जब मैं ये देखता हूं जब मैं ये देखता हूं जब मैं ये करता हूं इसका मतलब सुनो अब मैं इंस्पेक्शन को यूज कर रहा हूं यह चेक करने के लिए कि ऑथराइजेशन हुआ कि नहीं मैं इंस्पेक्शन का इसी का मतलब है मैं इंस्पेक्शन को यूज कर रहा हूं कंट्रोल एक्टिविटी एग्जीक्यूट हुई कि नहीं ये चेक करने के लिए इसी का मतलब है मैं इंस्पेक्शन को यूज कर रहा हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई आई होप आपके दिमाग में वंस अगेन वापस बहुत सिंपल सिग्नेचर्स स्टैंपिंग ये बहुत पॉपुलर ऑथराइजेशन वाला कंट्रोल एक्टिविटी है हमको डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए वेदर कंट्रोल एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड वेदर कंट्रोल एक्टिविटी इज परफॉर्मड इसी का मतलब मैं इंस्पेक्शन को यूज कर रहा हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स टू चेक एविडेंस इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एग्जांपल ऑफ यूज एग्जांपल ऑफ यूज इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंस्पेक्शन कैन बी यूज टू चेक वेदर सिग्नेचर्स आर डन वेदर ऑथोराइजेशन आर डन वेदर स्टैंप्स आर डन दैट मीन्स आर यूजिंग इंस्पेक्शन फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो वो बता रहे हैं कि आप इंस्पेक्शन आप को यूज कर सकते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में वैसे ही आप वैसे ही आप इंस्पेक्शन को यूज कर सकते वैसे ही आप इंस्पेक्शन को यूज कर सकते हो किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो इंस्पेक्शन को आप इंस्पेक्शन को यूज कर सकते हो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप इसको टेस्ट ऑफ़ डिटेल में कैसे सर देखिए देखो नोट्स नोट्स मैं आपको बता रहा इतने इतने प्यार से बनाए हैं प्यारे बनाए हैं एक एक पॉइंट को टेक्निकल वर्ड्स के साथ में सजा के नोट्स बनाए ये चार्ट को चार्ट मत बोलना मेरा दिल टूट जाएगा ये चार्ट चार्ट नहीं है ठीक है ये डी डिटेल्ड ये डिटेल्ड डिटेल्ड नोट्स है ये और ये सक्सेस का रास्ता है ये आपको बता रहा हूं ये चार्ट्स ये जो चार्ट्स है ऑर्डनरी चार्ट्स नहीं है इसको हम बहुत पॉपुलरली फाड़ू चार्ट्स बोलते हैं ये चार्ट्स आपको याद हो गए और आपने इसके बेस पे लिख दिया आप तोड़ दोगे फोड़ दोगे माहौल कर दोगे एक नंबर आप चीजें कर डालोगे ठीक है देखिए बहुत छोटी छोटी बातें ख्याल रखकर एग्जाम्पल्स ऑफ यूज इन टेस्ट ऑफ डिटेल्स अगर हम जाकर टेंजिबल एसेट्स ध्यान दीजिए अगर एग्जाम्पल्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स ठीक है लेट्स सी देखो अगर हम जाकर ठीक है किसी टैंजिबल एसेट को मतलब लैंड को जाकर देखते हैं फिजिकल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लैंड करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करते हैं किसी किसी मशीन को जाकर हम देखते हैं इसका मतलब ठीक है मशीन को जाकर हम देख रहे हैं इसका मतलब हमने इंस्पेक्शन को यूज किया इंस्पेक्शन को यूज किया एसेट को चेक करने के लिए कि एसेट है कि नहीं और मुझे एविडेंस मिलेगा असर्शन का आई विल गेट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस मतलब सर अगर मैं जाके इंस्पेक्ट करता हूं एसेट को फिजिकली एग्जामिन करता हूं एसेट को तो मुझे ऑडिट एविडेंस मिलेगा कि एसेट रियल है एसेट सही में है मतलब आई विल गेट मतलब आई विल गेट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट विल गिव यू ऑडिट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस लेकिन जरूरी नहीं है कॉमर्स में ऐसे होता है हर चीज जरूरी जरूरी नहीं है ठीक है कि आपको एविडेंस मिले वैल्यूएशन का और ओनरशिप का क्या ये मशीन की वैल्यू क्या होगी ये एक बहुत ही लर्नर्ड एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बता पाएगा कि ये मशीन कितनी चली है कितनी चलेगी कैसे चलेगी क्या चलेगी और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है इंस्पेक्शन से सिर्फ ये पता चलता है कि मशीन एग्जिस्ट करती है ये नहीं पता चलता कि सही में इसकी वैल्यू कितनी है ये नहीं पता चलता जरूरी नहीं है कि ओनर कंपनी ही है जैसे हमने आके लैंड देखी एग्जिस्टेंस प्रूव होता है ये नहीं प्रूव होता ये नहीं प्रूव होता कि ये लैंड की वैल्यू कितनी है ये नहीं प्रूव होता कि क्या इस लैंड के असली मालिक हम हैं, ये नहीं प्रूव होता कि क्या इस लैंड के असली मालिक हम हैं, ओनरशिप इंस्पेक्शन आपको ढेर सारे सबूत दे सकती है इंस्पेक्शन आपको सबूत दे सकता है एग्जिस्टेंस को लेकर लेकिन इंस्पेक्शन ऑफ एसेट आपको सबूत नहीं देगा बहुत बार वैल्यूएशन को लेकर ओनरशिप को लेकर तो आप समझो कभी कभी आप जब मेथड लगाते हो आपको एक असर्शन के बारे में एविडेंस मिलता है बाकी असर्शन को लेकर आपको एविडेंस नहीं मिलता है ठीक है आइए नाउ वैसे ही आप देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट आते हैं इसलिए मैंने पहला पॉइंट फिक्स एसेट का लिखा अब मैं दूसरा पॉइंट उसके नीचे इन्वेस्टमेंट आते हैं जब आप जाकर जब आप जाकर इन्वेस्टमेंट को देखते हो डिबेंचर को देखते डिबेंचर सर्टिफिकेट को देखते हो शेयर सर्टिफिकेट को देखते हो ठीक है तो आपको एविडेंस आपको एविडेंस मिलता है एग्जिस्टेंस को लेकर इंस्पेक्शन बड़ी प्यारी चीज है एसेट को जाकर देखोगे तो एग्जिस्टेंस तो प्रूव हो जाएगा आपको एविडेंस मिल रहा है एग्जिस्टेंस को लेकर लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एविडेंस मिलेगा वैल्यूएशन और ओनरशिप को लेकर शिफ शेयर सर्टिफिकेट है उसको देखकर आपको वैल्यूएशन प्राइवेट कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है उसको देखकर आपको नहीं पता चलता वैल्यूएशन के बारे में उसको देखकर हो सकता है आपको पता ना चले हो सकता है आपको पता ना चले ओनरशिप को लेकर ठीक है इंस्पेक्शन ऑफ टैंजिबल एसेट्स इंस्पेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये देखा हमने। इसके आगे ध्यान दीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है लेसन आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े बड़े कंपनियों में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन सबसे कॉम्प्लीकेटेड क्या बात कर रहे हैं सर मुझे तो बचपन से ऐसा लग रहा है कि सेल्स की एंट्री सबसे आसान एंट्री होती है आप क्या क्या बक रहे हो सर क्या बकरे हो आप अरे भाई सही बात बता रहा हूं सुन सुनो देखो देखो एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐसा लिखा है पचास लाख रुपए कस्टमर से हम लेंगे बदले में उसको एक मशीन देंगे उस मशीन का उस मशीन का पांच साल का मेंटेनेंस भी हम करेंगे और कस्टमर ये पैसा कस्टमर ये पैसा अगले दो साल में देगा तो भी चलेगा अच्छा उससे मैं पचास लाख रुपए लेने वाला हूं ठीक है उसको मैं तीन चीजें देने वाला हूं मशीन देने वाला हूं पांच साल का मेंटेनेंस देने वाला हूं और लेट पेमेंट मतलब पेमेंट की फैसिलिटी देने वाला हूं लेट पेमेंट लेट पेमेंट डेफर्ड पेमेंट की मैं फैसिलिटी देने वाला हूं बोले ये पचास लाख टोटल कीमत है इसमें से मेंटेनेंस दस लाख रुपए का है और मैं जो उससे लेट पैसा ले रहा हूं तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पांच लाख रुपए का है अच्छा पचास लाख में से मेंटेनेंस के दस लाख इंटरेस्ट के पांच लाख मतलब मशीन के कितने बचे पैतीस लाख देखो इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा पैतीस लाख का रेवेन्यू इमीजिएटली बुक हो जाएगा पैतीस लाख ,00 का रेवेन्यू इमीजिएटली बुक हो जाएगा इमीजिएटली अपन पैंतीस लाख का रेवेन्यू बुक करेंगे इमीजिएटली डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल लेकिन लेकिन आपका जो मेंटेनेंस है दस लाख रुपए का मेंटेनेंस वो रेवेन्यू बुक होगा पांच साल में दो लाख दो लाख दो लाख दो लाख दो लाख समझ रहे आप दो लाख दो लाख दो लाख दो लाख दो लाख दो दो लाख का रेवेन्यू बुक होगा पांच साल में और जो पांच लाख रुपए का पांच लाख रुपए और जो पांच लाख रुपए का ठीक है इंटरेस्ट इनकम है वो बुक होगा दो साल में ये सब डिपेंड करता है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे तो ये लोग बोल रहे हैं सेल्स को चेक करने के लिए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से एग्जामिन करना पड़ता है मतलब उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है तो वो बता रहे एग्जाम्पल आप इंस्पेक्शन को यूज कर सकते हो सेल्स की अकाउंटिंग चेक करने के लिए उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग चेक करने के लिए बाय रीडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और इससे आपको बहुत सारे असर्शन के लिए बहुत सारे असर्शन के लिए सबूत मिलेगा कि सेल का जो अकाउंटिंग है वो रेवेन्यू का अकाउंटिंग सही में अभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऑकरेंस सही में अभी रेवेन्यू ऑकर हुआ है कि नहीं हुआ है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो आपका जो आ, आपका जो मेंटेनेंस है वो फ्यूचर इयर्स में है आपका जो मेंटेनेंस आपका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस फ्यूचर ईयर का रेवेन्यू है वो अभी नहीं होना चाहिए अभी ऑकर नहीं होना चाहिए ठीक है फिर एक्यूरेसी का भी आपको एविडेंस मिलता है ऑकरेंस का एविडेंस मिलता है एक्यूरेसी का एविडेंस मिलता, मिलता है क्लासिफिकेशन का एविडेंस मिलता है कौन से अकाउंट में रेवेन्यू को डालू इसको सेल में डालू इसको अदर इनकम में डालू गाइज लेट्स फ्रीज क्लासिक क्लासिक है ये ये समझ जाए जीवन सफल है जी जीवन सफल है इंस्पेक्शन पे अगर शॉर्ट नोट लिखना है इंस्पेक्शन पे शॉर्ट नोट लिखना है तो पहले आपको डेफिनेशन बताना है इंस्पेक्शन इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड और एसेट रिकॉर्ड कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल इट कैन बी ऑन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एनी अदर मीडियम डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ऑल एविडेंस फ्रॉम इंस्पेक्शन विल डिपेंड ऑन हाउ रिलायबल इज द डॉक्यूमेंट इफ इट इज एक्सटर्नल ओरिजिनल इट इज मोर रिलायबल इफ इट इज एक्सटरल एंड ओरिजिनल इट इज मोर रिलाशन कैन बी यूज इंस्पेक्शन कैन बी यूज इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंस्पेक्शन को यूज किया जा सकता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में टू चेक अ कंट्रोल एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल इन वी कैन यूज इंस्पेक्शन टू चेक वेदर कंट्रोल एक्टिविटी Of authorization is properly performed or not. Is properly performed or not. Okay. We can use we can use inspection in test of detail. When we go and do physical verification of intangible asset, we get evidence about existence, but not necessarily evidence for valuation and ownership. When we see financial instruments, financial instruments share certificate or debenture, we get evidence about existence, not necessarily about valuation and ownership. Not necessarily for valuation and ownership. When we inspect sales contract, we check sales accounting policy and sales accounting sales. We get evidence about a lot of assertions like accurate occurrence. एक्यूरेसी ऑक्रंस एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन ठीक है आई होप बड़ा प्यारा अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया ना भाई आप एकदम सही जा रहे हो आप एकदम सही जा रहे हो आप एकदम फर्स्ट क्लास जा रहे हो आप एकदम जोरदार जा रहे हो आप एकदम तूफान जा रहे हो ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस एक अब मैं आपको बता रहा था आंसर कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा था आंसर कैसे लिख रहे थे आंसर कैसे लिखना है इस पॉइंट पे देखिए लेट्स अंडरस्टैंड इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूं पांच मार्क गिरेंगे मेरी आंसर राइटिंग में आपको बता रहा हूं इतने भयंकर मार्क्स गिरेंगे छप्पर फाड़ फाड़ के मार्क्स मिलेंगे इंस्पेक्शन पे अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो पहले आप एसे फाइव हंड्रेड आप पहले हेडिंग दोगे एस 500 फाइव हंड्रेड उसमें लिखोगे इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है देखो वर्ड्स पूरे इंग्लिश बत, बता रहा आपको इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ एस ए फाइव हंड्रेड डबल कोट में ऑडिट एविडेंस आर एप्लीकेबल इस क्वेश्चन में एस ए फाइव हंड्रेड एप्लीकेबल है एक लाइन और जोड़ सकते हो दिस एस ए अस व्हाट डू मीन बाय ऑडिट एविडेंस हाउ टू ऑपटेन ऑडिट एविडेंस एंड अदर थिंग्स आधे से एक मार्क हो गया पक्का देखो हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हेडिंग डालते हो ना तो तीन लाइन कंज्यूम होती है हेडिंग 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 के ऊपर की 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 एक 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 लाइन, और हेडिंग की नीचे की एक लाइन लाइन। और नीचे ठीक है और आप जो हेडिंग डालने वाले हो ये पहले ही सोच लेना आउटलाइन बनाना अब मेरा तो आउटलाइन बना हुआ है आपको बनाना पड़ेगा आउटलाइन फिर आप अगला हेडिंग डालोगे डेफिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन डेफिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस इन which वी एग्जामिन अपने मन से लिखो यार रटो नहीं कट टू तो कट सर इतना ही लिखोगे अरे मर जाओगे यार कितना रटोगे दिमाग भूसा बन जाएगा रटरटके इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑइ एविडेंस इन दिस वी एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स कॉमा रिकॉर्ड और वी परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट फिर उसमें फुलस्टॉप करके डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल कॉमा दे कैन बी ऑन पेपर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम हो गया डेफिनेशन फिर आप अगला हेडिंग अगला हेडिंग फिर आप उसने बताएंगे फिर आप हेडिंग देंगे रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस विच वी गेट

टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसमें आप बोलोगे इंस्पेक्शन कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर इंस्पेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर ऑथोराइजेशन दैट मीन्स वी आर यूजिंग इंस्पेक्शन टू चेक कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ ऑथोराइजेशन दैट मीन्स वी आर यूजिंग इट फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज कर रहे हैं। फिर यूज इन टेस्ट ऑफ डिटेल वी कैन यूज इन इन टेस्ट ऑफ डिटेल एग्जाम्पल नंबर वन वेन वी परफॉर्म फिजिकल वी कैन वेन वी एग्जांपल एग्जाम्पल वेन वी परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन of any tangible asset we are performing inspection we will get evidence about existence but not necessary that we will get evidence about valuation or rights and obligation next point when we examine when we inspect financial instrument we get evidence about existence but not necessarily for valuation और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तीसरा वी कैन इंस्पेक्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट वेदर अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्रोप्रिएट एंड मेनी अदर अब आपको बता रहा गेम क्या है आप सामने वाले के साइकोलॉजी से खेल रहे हो ठीक है अगर कोई केस होगा तो सीधा कंक्लूजन लॉ में क्या होता है लॉ में आप लॉ में क्या करते हो आप पहले कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है फिर आप उसके फैक्ट आप प्रोविजंस प्रोविजंस ऑफ ऑफ द द लॉ लॉ बताते number, बताते हो। हो। आप सेक्शन नंबर केस को डिस्कस करते हो कंक्लूजन करते हो कंक्लूजन देते हो ऑडिट में दस में से आठ क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब मैं आपको बोलने के लिए केस स्टडी होता है लेकिन डायरेक्ट थेरी लिखनी पड़ती है अगर केस स्टडी है तो दो चीजें और ऐड हो जाएगी केस का डिस्कशन और कंक्लूजन दस में से दो होंगे वैसे बहुत ही कम रेयर ठीक है केस का डिस्कशन और कंक्लूजन दो चीजें आप जोड़ सकते हो और आप, आप जैसे ही ये हेडिंग दोगे एक दो तीन चार पांच जैसी हेडिंग दोगे आप बात बन गई सब मैं आपको बता रहा हूं अगर आप सही पांच इंटू तीन पंद्रह लाइन तो आपने ऐसे कंज्यूम कर दिया पंद्रह लाइन तो आपने ऐसे कंज्यूम कर दिए एक एक लाइन छोड़ो आ, आगे पीछे बहुत सी बार बंदा डिटेल पढ़ेगा भी नहीं क्योंकि उसको समझ में आ गया कि तुमको सब आता है सबकी लैंग्वेज एकदम स्मूथ नहीं होती मैं समझता उस बात को लिख लिख कर स्मूथ होंगी चीजें लिख लिख कर स्मूथ होंगी चीजें वो भी मैं समझता हूं आपकी बात आई अंडरस्टैंड इट एब्सोलुटली फाइन आई फुल्ली अंडरस्टैंड दिस लेकिन अगर आप प्रॉपर हेडिंग दोगे ना अगर आप प्रॉपर हेडिंग दोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर हेडिंग दोगे तो कभी कभी तो ठीक है कभी कभी तो वो अंदर की डिटेल भी नहीं पड़ेगा बराबर पांच मार्क गिरेंगे इस पर एक एक, एक, एक एक इसको कला बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले कौन से ऐसे का क्वेश्चन है और कौन से कॉन्सेप्ट को मुझे लिखना है पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है फिर आउटलाइन बनानी पड़ती कि मैं कौन से कौन से हेडिंग्स और मुद्दे हाईलाइट करने वाला हूं आउटलाइन बाकायदा लिखो कहीं पे, रफ पेज पे लिखो रफ आखिरी के पे पेपर पे फिर एक एक मुद्दे को टारगेट करते हुए लिखो क्या मार्क्स मिलेंगे मार्क्स बरसेंगे बरसे ठीक है लेकिन बच्चे लिख नहीं पाते और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है याद नहीं रहता अपने जो चार्ट्स है और अपने जो ऑडियो है ये राम बाण उपाय है राम बाण उपाय है मेमोरी के लिए मेमोरी में अगर ये बातें आ गई ना आप लिख दोगे और आप फोड़ दोगे और आप तोड़ दोगे लेकिन अगर आप सीधा लैंग्वेज क्राम करने जाओगे सुसाइडल है सुसाइडल है भाई साहब सुसाइडल है सीधा लैंग्वेज क्रैम करने होंगे बिना सोचे समझे हो गए बिना सोझे समझेट लैंग्वेज गई भैंस पानी बारह के भाव से गई तेरा के भाव से गई प्लीज डोंट डू दैट वो आपको करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब आपको बहुत मजा आया ये प्रेजेंटेशन के अंदर कि आंसर कैसे लिखना है आंसर कैसे लिखना है ये मैंने आपको बताया ठीक है बस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को दो चार मिनट का ब्रेक दे रहा हूं ठीक है यार मुझसे ब्रेक नहीं दिया होता यार एग्जाम ऑन्ट में तो बिल्कुल नहीं दिया जाता ठीक है बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया जाता मुझसे और जब इतना मजा आ रहा ना तो बिल्कुल नहीं दिया जाता मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं फिर भी फिर भी आपको दे दे रहा हूं मैं ब्रेक ठीक है दो मिनट का ब्रेक दो मिनट लिखता हूं मैं फिर मैं आ ही जाता हूं दो के दो के चार मिनट तो हो ही जाते हैं दो मिनट का ब्रेक ले लो जी लो जिंदगी चलो गाइज आई एम बैक फटाफट चलते आगे बढ़ते हैं देखिए अभी इंक्वायरी क्या होता है इंक्वायरी लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायरी हम जानते हैं इंक्वायरी मतलब पूछना सिंपल मतलब है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पीपल जो नॉलेजेबल लोग हैं कंपनी के अंदर के कंपनी के बाहर के जो नॉलेजेबल लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है ठीक है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पीपल इज इंक्वायरी जो इंफॉर्मेशन हम लोग मांग रहे हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकती है नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है नॉन फाइनेंशियल चीजों को यूज करके भी फाइनेंशियल चीजों को चेक किया जाता है क्वांटिटी प्रोडक्शन की क्वांटिटी और बहुत चीजें देखकर तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन इंक्वायरी मतलब नॉलेजेबल लोगों से जानकारी मांगना सीख करना पूछना वो फाइनेंशियल भी हो सकता है नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है हो सकता है बंदा कंपनी के अंदर का हो सकता है बंदा कंपनी के अंदर का हो हो सकता है बंदा कंपनी के, 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 के बाहर का हो दोनों चीजें पॉसिबल है बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल ठीक है हो सकता है पूछताछ ओरल हो या फिर हो सकता है ये रिटर्न हो सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन इट कैन बी फाइनेंशियल इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल इट कैन बी विद इन द एंटिटी इट कैन बी आउटसाइड द एंटिटी इट कैन बी रिटर्न इट कैन बी ओरल ठीक है फिर हम बात करते हैं अब सोच के देखिए जब हम लोगों से सवाल पूछेंगे तो क्या होगा बोले सर लोगों से सवाल पूछेंगे तो वो गुस्सा होगा ठीक है उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्या होगा लॉजिकली जो होगा रिस्पॉन्स जिनसे भी आप जानकारी मांग रहे हो जिस पर्सन से भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देगा रिस्पॉन्स में आपको इंफॉर्मेशन देगा जब आप ये इंफॉर्मेशन को स्टडी कर देखो स्टडी करना एग्जामिन करना इवेल्युएट करना एक ही है सर मैं इवेल्युएट वर्ड ही यूज करूँ क्या अबे बेवकूफी है बे एक ही चीज होती है सब सर टेक्निकल वर्ड अरे भाई टेक्निकल वर्ड तो सबसे बड़ा स्कैम है टेक्निकल वर्ड, वर्ड की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है भे टेक्निकल वर्ड की कोई डेफिनेशन ही नहीं है कोई लॉ ही नहीं है बच्चों को याद नहीं रहता तो बच्चे बोल देते यार, टेक्निकल वर्ड से नहीं मिला प्रोफेसर तूने टेक्निकल वर्ड नहीं लिखे अरे भाई तूने मुद्दा नहीं लिखा यह है सच्चाई मुद्दा नहीं लिखा इवेल्युएट वर्ड यूज करना ऐसा नहीं होता बेटा तो रिस्पॉन्स जब भी होगा उसको स्टडी करिए एग्जामिन करिए तीन तरह की चीजें बाहर निकल कर आ सकती हैं तीन तरह की चीजें थ्री थिंग्स कैन हैपन तीन तरह की चीजें होगी भाई थ्री थिंग थ्री थ्री टाइप्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन नंबर वन आपको ऐसी यू में ऑप्टिन इंफॉर्मेशन जो आपको पहले पता ही नहीं थी मतलब आपको न्यू इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपको पहले पता ही नहीं थी मतलब आपको न्यू इंफॉर्मेशन मिल सकती है ठीक है क्या बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो कंपनी के इन्वेंट्री में ऑप्सलिट इन्वेंट्री है तो मुझे पता ही नहीं था तुमसे बात करके मुझे पता चला कि कंपनी में एक है अलर्ट हो होट इन्वेंट्री अरे भाई साहब नई जानकारी मुझे पता चली हो सकता है आपको पता चले कि इन्वेंट्री में हजार यूनिट है वो तो मुझे पहले से पता था हजार यूनिट मुझे पहले से पता था सिस्टम के अंदर हजार यूनिट दिख रहे इंटरनल ऑडिटर के अंदर रिपोर्ट में हजार यूनिट दिख रहे और तुम जो अभी मुझे बोल रहे हो तो मुझे ऐसी जानकारी मिल, आपको आपको मिल सकती है कोरैबोरेटिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है या फिर या फिर ठीक है या फिर आपको कभी कभी ऐसी जानकारी मिल सकती है जो जहां पे चीजें मैच नहीं हो रही है आपको आपको गोडान के हेड ने बोला था मैनेजर ने बोला था कि कोई ऑप्सिलिट स्टॉक नहीं है लेकिन एम्प्लॉय बोल रहा है ऑप्सिलिट स्टॉक है मतलब जो जानकारी आपको मिल रही है वो आपको कॉन्ट्राडिक्ट इंफॉर्मेशन आपको कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको बताना पड़ेगा कि तीन तरह की चीजें हो सकती है जी तीन तरह की चीजें थ्री थिंग्स कैन हैपन तीन तरह की चीजें हो सकती है ठीक है और ये तीन तरह की चीजें जो हो सकती है थ्री थिंग्स विच कैन हैपन इज थ्री थिंग्स विच कैन हैपन इज या तो नई जानकारी मिल रही है या तो आपको नई जानकारी मिल रही है या तो आपको कोरैबोरेटिव जानकारी मिल रही है या तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिल रही है तीन तरह की चीजें हो रही है ठीक है नाउ ध्यान दीजिए अब मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एग्जांपल एकदम सेट है देखो कंपनी ने दो करोड़ का फ्लैट खरीदा दो करोड़ का फ्लैट खरीदा आपका कश्मीर में दो करोड़ का फ्लैट खरीदा इंदौर में दो करोड़ का फ्लैट खरीदा कन्याकुमारी में तीन जगह पे दो करोड़ ठीक है तीन जगह पे दो करोड़ का फ्लैट खरीदा एक ही महीने में खरीद डाला बहुत पैसा कंपनी के पास आप सोचो अकाउंटिंग कैसे होगी क्या तीनों अकाउंटिंग एक जैसी होगी कि तीनों अकाउंटिंग अलग अलग होगी आप देखोगे तीनों अकाउंटिंग अलग अलग होगी कश्मीर में क्यों खरीदा है ताकि क्योंकि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले फ्यूचर में फ्यूचर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे एप्रिसिएशन मिलेगा इन्वेस्टमेंट में फायदा मिलेगा तो कश्मीर में जो प्रॉपर्टी खरीदी आप उसको ट्रीट करोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिट आपने इंदौर में इंदौर में आपने फ्लैट खरीदा है ताकि आपका जो फैक्ट्री है फैक्ट्री इंदौर में जो फैक्ट्री के बाजू में आपने फ्लैट खरीदा है ताकि आपके एम्प्लॉयज वहां पे आराम कर सके आपके एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉइज वहां पे आराम कर सके आसानी से रह सके ताकि रिफ्रेश हो जाए ठीक है रिफ्रेश हो जाए और फिर काम करने के लिए मतलब ये एसेट आपने खरीदा है ताकि आपको प्रोडक्शन में मदद मिले इट इज purchase so that it helps in production so that it helps in production it helps in production taki aapko production mein madad mile theek hai matlab hi aapka fixed asset hai fixed asset mein aap land and building account debit to cash bank karoge indore mein fir aapka है. कन्याकुमारी में कन्याकुमारी में कन्याकुमारी में जो आपका आपने परचेस किया क्योंकि आपका बिजनेस है आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का आपका बिजनेस है वहां पर रोज की बाइंग एंड सेलिंग करते हो आप रोज की बाइंग एंड सेलिंग वो आपका बिजनेस है अगर ऐसा है कि वो आपका बिजनेस है तो वो आपके लिए परचेस हुआ परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओगे उसको आप स्टॉक इन ट्रेड है वो आपका तीनों में अकाउंटिंग का तरीका बदल गया तीनों में फ्लैट खरीदा तीनों में अकाउंटिंग का तरीका बदल बदल गया क्योंकि क्योंकि तीनों में इंटेंशन अलग है तीनों में आपका इंटेंशन अलग है कश्मीर में इंटेंशन अलग इंदौर में इंटेंशन अलग कन्याकुमारी में इंटेंशन अलग तीनों में आपका इंटेंशन अलग है अगर तीनों में आपका इंटेंशन अलग है तो तीनों में अकाउंटिंग भी अलग होगी ना मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग इंटेंशन के हिसाब से होती है कि आपका ट्रांजैक्शन का इंटेंशन क्या है इसको मैनेजमेंट इंटेंट बोलते हैं अकाउंटिंग की जाती है यह समझ के कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड डूइंग द ट्रांजैक्शन उसके सबसे अकाउंटिंग होती है अच्छा इसका मतलब अगर आपको कोई भी अकाउंटिंग को चेक करना है तो आपको खास करके कुछ अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन है तो आपको देखना पड़ेगा कुछ नए ट्रांजैक्शन है विचित्र ट्रांजैक्शन है तो आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा जानना पड़ेगा इंटेंशन क्या है इन शॉर्ट अकाउंटिंग चेक करते वक्त आपको चेक करना पड़ता है व्हाट इज द इंटेंशन और इंटेंशन को जानने का बेस्ट तरीका है इंक्वायरी इंटेंशन को चेक करने का इंटेंशन को चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है इंटेंशन को चेक करने का बेस्ट तरीका है भाई साहब इंक्वायरी इंक्वायरी बेस्ट तरीका है इंक्वायरी से आपको पता चलेगा इंटेंशन क्या है और उससे आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग बराबर हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उनका कहना है कि जो भी इंक्वायरी से आपको जवाब मिले उस पर ब्लाइंड रिलायंस ना करे सामने झूठ भी तो बोल सकता है देखो सब लोग चोर नहीं होते सब लुच्चे लफंगे नहीं होते कुत्ते कमीने नहीं होते अच्छे लोग भी होते लेकिन झूठ भी तो बोल सकता है इसलिए आप कच्ची गोलियां मत खेलो आप उसको कोरेबोरेट करो मतलब उसको मैच करो अग्री करो किससे आप उसको मैच करो तीन चीजों से पास्ट हिस्ट्री क्या पास्ट ने जब भी मैनेजमेंट ने ऐसा बोला था क्या सही में उन्होंने ऐसा किया था क्या क्या इनके पास में करंट रीजन है जस्टिफाइड ऐसा एक्शन लेने के लिए क्या सही में कश्मीर में आगे कीमत बढ़ सकती है क्या सही में इंदौर के पास इनका फैक्ट्री है क्या सही में कन्याकुमारी में इनका यह धंधा है इनके रीजन फ्यूचर एबिलिटी क्या सही में कश्मीर का इन्वेस्टमेंट ये सालों साल रख पाएंगे क्या अपने पास में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले महीने में इनको तंगी हो जाएगी बेचनी पड़ेगी प्रॉपर्टी फ्यूचर एबिलिटी है क्या जैसे और एग्जाम्पल होता है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट का इंटेंशन है एक साल बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म एक साल के अंदर बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म अगर मैनेजमेंट ने जो भी बोला आपको मैच करना पड़ेगा कि पास्ट हिस्ट्री जो बोलते हो करते है क्या क्या रीजन है क्यों लॉन्ग टर्म है क्यों शॉर्ट टर्म है एक इन्वेस्टमेंट है ताकि क्रेडिटर को पे कर सकूं इसलिए शॉर्ट टर्म है एक इन्वेस्टमेंट है ताकि को रीपे कर सको तीन साल तक इसलिए लॉन्ग टर्म है क्या फ्यूचर में तीन साल तक होल्ड कर पाओगे क्या होल्ड करने की ताकत है क्या देखो क्या प्यारी तरीके से अरेंज किया उसको पास्ट हिस्ट्री से मैच करो करंट रीजन से मैच करो फ्यूचर एबिलिटी से मैच करो ठीक है बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट ओरली बोलती है तो हम उसको बोलते हैं आप आपके लेटर हेड पे लिख कर दे दो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आप ओरली बोल रहे हो और साइन करके दे दो सी एफ ओ उसको बोलते डब्ल्यू आर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस होता है सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैनेजमेंट के लोग ओरली बोल रहे हैं वो हम बोलते तो आपके लेटर हेड पे लिख कर साइन करके दे दो कल अगर कुछ झूठा निकला तो पूरी दुनिया को बताऊंगा तूने बोला था तूने बोला था और तेरे को पनिशमेंट दिलवाऊंगा यू विल बी पनिश्ड ओवर इट ठीक है तो आई होप ये आपको समझ में आया तो गाइज इंक्वायरी पे शॉर्ट नोट लिखना पहले डेफिनेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेजेबल पीपल फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंपनी के अंदर कंपनी के बाहर रिटर्न

न टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट तीन मुद्दों पर बात करनी आपको पहले आपको बात करनी है डेफिनेशन पे फिर आपको बात करनी है रिस्पॉन्सेस पे और फिर आपको बात करनी है मैनेजमेंट के इंटेंशन पे दैट्स इट आई होप आपके दिमाग में एब्सुलट क्लैरिटी उसको लेकर सारी टेक्निकल चीजें सब कुछ हमने कवर कर लिया सारे जो वर्ड्स वर्ड्स थे सब कवर कर लिए बस इसको याद कर लो इसको याद कर लो और इसके बेसिस पे लिख लो तो जीवन सफल है सफल जीवन सफल है जी सही बता रहा हूं मैं आपको जीवन सफल है करेक्ट आइए अब एक नया प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रहा है उसके ऊपर उन्होंने बात की है ठीक है क्या इंपैक्ट होगा ऑडिट प्रोसीजर्स पे क्या इंपैक्ट होगा क्या इंपैक्ट होगा ऑडिट प्रोसेस पे क्या चेंज होगा नेचर टाइमिंग देखो ये एक वर्ड आता है एन टी ई पहले ही बता दो नेचर ऑफ चेकिंग नेचर ऑफ चेकिंग मतलब क्या है ऑब्जर्वेशन करोगे कि इंक्वायरी करोगे कि इंस्पेक्शन करोगे कि रिकैलकुलेशन करोगे कि रिपरफॉर्मेंस करोगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लोगे उसको बोलते नेचर ऑफ चेकिंग उसमें भी उस नेचर का मतलब क्या होता है कि भाई नेचर ऑफ चेकिंग किस तरह की चेकिंग तुम कर रहे हो नेचर ऑफ चेकिंग टी इज फॉर टाइमिंग ऑफ चेकिंग कब कर रहे हो मंथली कर रहे हो क्वार्टरली कर रहे हो सिक्स मंथली कर रहे हो एनुअली कर रहे हो उसको टाइमिंग बोलते एक्सटेंट मतलब कितने डेप्थ में कर रहे हो कितनी क्वांटिटी है दस चीज चेक कर रहे हो बीस चीज चेक कर रहे हो तीस चीज चेक कर रहे हो एनी तो इनका कहना है कि आजकल एक नया प्रॉब्लम आ गया है देखो दो चीजों पे आपको जवाब लिखना है आपको जवाब लिखना है प्रॉब्लम पे और सॉल्यूशन पे आपको बात लिखनी है प्रॉब्लम पे आपको बात लिखनी है प्रॉब्लम पे।, पे और सॉल्यूशन पे क्या प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दो प्रॉब्लम आ रही जी क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आजकल आजकल बहुत सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है लॉट ऑफ डेटा, world, डेटा इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड लॉट ऑफ डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ठीक है मतलब कोई फिजिकल रिकॉर्ड ही नहीं हैल्डस आप आप, आप में जाओगे मैकडोनल्ड में जाओगे तो काउंटर पे सीधा स्क्रीन पे एंट्री हो रही है ठीक है बिल दे रहे वो बिल दे रहे वो सामने वाले कस्टमर को उनके पास में तो बिल की एक्चुअल इनवॉइस की कोई कॉपी नहीं है प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फिजिकल तो है ही नहीं बहुत सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है सेल्स इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है खर्चे का रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है अप्रूवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है बैंक स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है बैंक अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रॉब्लम यह है कि पायली के पचास डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे है जो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में है मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी जब सैलरी प्रोसेस करती है सैलरी प्रोसेस करती है खास करके पहले ज्यादा होता था सैलरी प्रोसेस करती है तो जो सैलरी प्रोसेस जो कैलकुलेशन हुए डिटेल कैलकुलेशन किए गए बहुत सारे वो जो डेटा है वो एक महीने के लिए स्टोर करके रखते हैं अगले महीने की सैलरी कंप्यूट होती है तो पुराना डिलीट मतलब डेटा जो है कुछ कुछ डेटा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि भाई कुछ डेटा सिर्फ एक महीने के लिए तीस दिन के लिए बहुत सा डेटा होता है आजकल सर्वर पे जो डेटा होता है बहुत बार पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है आपका सीसीटीवी का डाटा पर्टिकुलर टाइम के लिए दो दिन तीन दिन एक हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन ऊपर से कुछ कुछ डाटा तो सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम अब सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या उसी मोमेंट के लिए है उसी मोमेंट के लिए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपके एम्प्लॉय ने खर्चा करने की परमिशन मांगी एक पॉपअप आया पॉपअप आया आपने उसको क्लिक किया अप्रूव approve, अप्रूव्ड और डेटा में फिर बस अप्रूव्ड आ गया पीछे डेटाबेस में कुछ स्टोर नहीं हुआ बस क्लिक मारा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जर्नल एंट्री पास करने की परमिशन मांगी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे है एट दैट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम बस उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो तो मतलब पहला प्रॉब्लम तो ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है दूसरा प्रॉब्लम तो ये है ये सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कुछ कुछ तो सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है तो सोल्यूशन क्या है सॉल्यूशन यह है कि आप क्लाइंट को फोन लगाओ उसको बोलो प्लीज रिटेन डेटा सर्टन डेटा कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है इसको ज्यादा पीरियड के लिए रिटेन करो मैं आ रहा हूं तीन महीने बाद ऑडिट करने के लिए मैं आ रहा हूं छह महीने बाद ऑडिट करने के लिए उसको प्लीज यार अच्छे से रिटेन करके रखिए आप प्लीज उसको अच्छे से रिटेन करके रखिए प्लीज, प्लीज प्लीज रिटेन इट दूसरा जब वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तब जाकर आप उसको चेक कर लीजिए वेन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल तब आप जाकर आप उसको चेक कर लीजिए तो देखिए आपके प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है ऑडिट करने में कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत तो और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कुछ तो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है और कुछ तो सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है इतनी दिक्कत है अब इतनी दिक्कत है तो सोल्यूशन क्या है भाई सोल्यूशन तो बहुत ही आसान है ना जी सोल्यूशन तो बहुत ही आसान है ठीक है या तो आप उनको बोलो रिटेन कर लो या फिर जब वो इन्फॉर्मेशन जब वो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जब वो इंफॉर्मेशन दिखती है अवेलेबल है तब जाकर चेक कर लो तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन बताना है भाई कर लो दुनिया मिट्टी में चार मार्क हुए आपके कर लो दुनिया मिट्टी में चार मार्क हो गए आपके बहुत ही सिंपल सी बात है भाई गाइस आई होप यू आर लविंग इट आई होप यू आर लविंग इट आई होप यू आर इट आप मजे कर रहे हो ठीक है फिर अभी देखो अभी आपने ऐसे क्या सिखा रहा है ऐसे फायर को सिखा रहा है कि एविडेंस मतलब क्या होता है उसका रोल उसका रोल क्या है रोल ऑफ एविडेंस वो आपको बता रहा है कि दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं दो तरह के आपके रिकॉर्ड्स होते हैं आपके अकाउंट आपके दो तरह के रिकॉर्ड्स आपने देख लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड एविडेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में समझा हमारा टारगेट क्या सेट किया है ऑब्जेक्टिव वो समझा प्रोसीजर समझे मेथड समझा इंक्वायरी समझा इंस्पेक्शन समझा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझा अब आपको बताता है एविडेंस हो तो कैसा हो अरे एविडेंस हो तो कैसा हो तो वो आपको बताता है एविडेंस होना भाई एविडेंस एविडेंसिट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए बोले इस पर शॉर्ट नोट अब आप ध्यान रखना मैं कभी कभार ही बोलूंगा अब इसमें जो हमने क्लास का शॉर्ट नोट बना क्लास का चार्ट बनाया अभी जो चार्ट चार बनाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझने में आसान है वो याद रखने में आसान है आपको कभी अगर शॉर्ट नोट बोला भाई सफिशियंट अप्रोप्रिएट पे शॉर्ट नोट बता दो सबूत हो तो कैसा हो सफिशियंट अप्रोप्रियट इस पर थोड़े से ज्ञान बांट दो बांट देंगे कौन सी बड़ी बात है बांट देंगे हम लोग कौन सी बड़ी बात है आइए तो बोले सबूत हो तो कैसा हो बोले सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट हो यह आपको नोट भी करना पड़ेगा आप पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर इस डॉक्यूमेंट को बाद में देखकर आप कर सकते हो श्रद्धा अनुसार जैसी आपकी श्रद्धा या फिर रोक रोक क्या बाद में अभी एक्सप्लेनेशन सुन लो बाद में लिख लेना लेकिन ये बनाना पड़ेगा और उसका रेफरेंस देना पड़ेगा आप क्लास में मार्किंग करते जाओ स्क्रिबल करते जाओ और जो पेज पे काम की चीज है जो पेज पे काम की चीज है उसका रेफरेंस देते जाओ ठीक है नाउ नाउ लेट्स सी कि सबूत हो तो कैसा हो सफिशियंट अप्रोप्रिएट एस ए अपन बोलेंगे हमेशा हम लोग उसको बोलेंगे एस ए ए फिशियंट मतलब होता है क्वांटिटी। जैसे सेल है सभी प्रोडक्ट के सेल आपने चेक करने चाहिए पूरा कवरेज होना चाहिए सभी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सभी एरिया का कवरेज होना चाहिए बड़े कस्टमर छोटे कस्टमर सबका कवरेज होना चाहिए कवर वेराइटी ऑफ आइटम्स कवर वेराइटी ऑफ आइटम्स बहुत सारे आइटम्स कवर करो

सही क्वांटिटी में एविडेंस इकट्ठा करो बहुत ही प्यारे क्वांटिटी में एविडेंस इकट्ठा करो फिर आपका होता है अप्रोप्रिएट। एविडेंस होना चाहिए। मतलब क्वालिटी क्वालिटी मतलब होता है यहां पे एविडेंस की क्वालिटी मतलब खाने की क्वालिटी मतलब स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए खाने के बाद तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए खराब नहीं होनी चाहिए तो वो आपका हो गया रिलायबल मतलब दैट इज रिलायबल आपका एविडेंस होना चाहिए वो अच्छा क्वालिटी सॉरी यहाँ पे क्वालिटी मतलब होता है रिलायबल होना चाहिए भरोसेमंद बहुत ही रिलायबल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाहर से आने वाला डॉक्यूमेंट साइन वाला डॉक्यूमेंट स्टैंप वाला डॉक्यूमेंट रिलेवेंट होना चाहिए काम का होना चाहिए एग्जिस्टेंस में डाउट है तो एग्जिस्टेंस को कवर करने वाला एविडेंस होना चाहिए जो प्रॉपर असर्शन कवर करे हम पढ़ेंगे इसके बारे में उसको रिलेवेंट एविडेंस बोलते हैं अगर आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में प्रॉब्लम है अगर आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में प्रॉब्लम है तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ओनरशिप को प्रूफ करने वाला एविडेंस होना चाहिए उसको बोलते हैं रिलेवेंट एविडेंस तो सबूत हो तो कैसा हो सफिशियंट अप्रोपरियट ऑडिट एविडेंस हो सफिशियंट मतलब क्वांटिटी अप्रोप्रिएट मतलब सफिशियंट मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब कवर वेराइटी ऑफ द आइटम्स कवर वेराइटी ऑफ दी एविडेंस अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी रिलायबल होना चाहिए एविडेंस और एविडेंस अब ध्यान दीजिए अब अलग अलग ऐसे ऐसे नंबर की चिंता मत करो सारे ऐसे नंबर में याद कर दूंगा सारे के सारे मैं आपको याद करा दूंगा सारे के सारे ठीक है मैं आपको बहुत अच्छे से याद कर दूंगा आपको चिंता करने कोई बात ही नहीं है सारे नहीं हुए तो पैसे वापस भाई सब क्या बात कर रहे सर हां भाई अगर आपको याद नहीं हुए तो पैसे वापस प्रपोर्शनेटली सर अलग ही माहौल ठोकते हो प्रपोर्शनेटली ठीक है प्रपोर्शनेटली दीजिए। तो ऐसे टू हंड्रेड है हमारा ऐसे टू हंड्रेड है ऐसे टू हम पढ़ेंगे वो बात है हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अभी बहुत सिंपल इसमें लिखा हुआ है जब ऐसे टू पढ़ेंगे तो उसको और टेक्निकल पढ़ेंगे ऐसे टू बोलता है भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिट का वो तो अल्टीमेटली ओपिनियन देना है ओपिनियन देना है रीजनेबल अश्योरेंस है मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से लोगों को बताना है ओपिनियन देना है विथ रीजनेबल अश्योरेंस हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोले ऐसे 200 में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह बताना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना विथ रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू वेदर फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू और ऐसे टूअ बोलता है अगर तुम हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से ओपिनियन देना चाहते हो कॉन्फिडेंस से ओपिनियन देना चाहते हो तो क्या लगेगा एविडेंस hmm. लगेगा क्या लगेगा भाई साहब सफिशियंट अप्रोप एविडेंस तो ऐसे टूअ बोलता है कि तुमको अगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तुमको अगर एक अच्छा ओपिनियन देना है रीजनेबल एश्योरेंस से अगर आपको तुमको ओपिनियन देना है तो तुमको सफिशियंट ऑडिट एविडेंस लगेगा ठीक है फिर ऐसे थ्री थर्टी है सर ये कौन सा ऐसे चिंता मत करो ऐसे थ्री थर्टी है जो डिटेल में बताता है ऑडिट प्रोसीजर को लेकर ऐसे थ्री थर्टीज रिस्पॉन्स टू रिस्क ऑडिट प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करना है डिटेल में बताता है वो बोलता है ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करो डिजाइन यहां पे डिजाइन करो मतलब तय करो ऑडिट को तय करो डिजाइन करो परफॉर्म करो ताकि एविडेंस जो इकट्ठा करे वो कौन सा करे सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि जो एविडेंस इकट्ठा करे वो कौन सा एविडेंस इकट्ठा करे सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करे अच्छा जी ओ ओ, 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 ओ. ओके 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 समझ में आया बोले समझ में आया समझ में आया समझ में आया ऐसे 200 भी बोलता है अच्छा ओपिनियन देने के लिए आपका ऑइट एविडेंस कैसा होना चाहिए सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट समझा बोले सफिशियंट नाम सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट होना चाहिए और ऐसे 330 भी बोलता है कि ऑडिट प्रोसीजर ऐसे चुनो कि तुम्हारा एविडेंस कैसा हो सफिशियंट ना अप्रोप्रियट हो ऐसे 500 भी बोलता है कि बेटा तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है ना बेटा वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस कैसा हो सफिशियंट हो एविडेंस आपका वापस एविडेंस आपका वापस कैसा हो सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस हो बापरे दो सो भी बोलता है ओपिनियन के लिए एविडेंस सफिन अप्रोविड हो तीन भी बोलता है ऑडिट प्रोसेसर तो ऐसे रहोगी सफिन अप्रोवेडेंस हो पांच भी बोलता है कि भाई एविडेंस हो फिर इसके बाद में मुद्दे की बात हो गई लेकिन थेरी लिखने वालों की भावनाएं होती है उसके बाद में मसाला शुरू करते एविडेंस के बारे में बगबग बगभग बोल देते एविडेंस दो प्रकार के होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरली एविडेंस इंटरनली होता है और उसके अंदर मेजरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही होते हैं अच्छा, अच्छा। पर वो इतना रिलायबल नहीं होता है जितना एक्सटर्नल एविडेंस होता है अच्छा, अच्छा अच्छा तो थोड़ा सा रोना गाना कर लो किसको लेकर इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल मेजरली इंटरनल इंटरनल में मेजरली अकाउंट आपका मेजरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड लेकिन एक्सटर्नल ज्यादा भरोसेमंद हो इंटरनल अच्छा है लेकिन वो ज्यादा अच्छा है फिर मेथड्स के बारे में बोले एविडेंस सिलेक्ट करना है ना चिंता नहीं करने का ऑब्जर्वेशन से लेके एक्सटर्नल कंफर्मेशन तक सब छाप दो मसाला फिर बोलता है एविडेंस अगर पहले वाले एविडेंस से मैच करो तो कोरबोरेटिव नहीं करो तो कॉन्ट्रोडिक्टी ये मसाला है तो आपको ऐसा मसाले में इंटरनल एक्सटर्नल पे ज्ञान डाल देंगे ज्ञान एविडेंस ऑप्टेन कैसे करना या फिर आप आप int, पहले आप ऐसा मसाले में आप बोल सकते हो कि भाई पहले इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल पे थोड़ा सा ज्ञान बांट दूंगा फिर कोरेबोरेटिव कोरेबोरेटिव वर्सेस कॉन्ट्रेडिक्ट्री पे ज्ञान बांट दूंगा मतलब टाइप्स ऑफ एविडेंस पे फिर उसके बाद में मेथड्स पे थोड़ा सा ज्ञान बांट दूंगा बस मसाले में तीन चीजें ठीक है थीके? हल्दी नमक मिर्ची डाल दो हल्दी नमक मिर्ची डाल दो बात बन जाएगी भाई एकदम कड़क बात बन जाएगी तो अगर आप ये अगर आप ये ठीक है आपको अगर इसका अगर एक मिनट देखो मैं शुरुआत से अगर आपको इसका फोटो लेना हो अगर आपको इसका फोटो लेना हो ठीक है बाद में लिखने के लिए पॉज करके ये फोटो ले सकते हो वन टू थ्री पॉज के लिए जितना टाइम चाहिए काउंट कर लिया पॉज करके फोटो खींचने के लिए फिर वन टू थ्री लेकिन ये शॉर्ट नोट ये प्यारा शॉर्ट नोट आपका बन जाता है आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि सफिशंट अप्रोप्रिएट और इतनी प्यारी चीज है एक बार पढ़ो एक बार पढ़ो ये चीज और आप दो जगह इसको लिखोगे यू राइट इट एट टू प्लेसेस दो जगह पे आप लिखोगे ठीक है सर बख्श दो बख्श दो हमको बख्श दो क्या है बेटा जी, हमारी ईओ बैच चल रही है बेटा जी ईओ बैच में हमको थोड़ा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है बेटा जी टाइम को अच्छे से यूज करना बहुत जरूरी है पांच पांच मिनट जो होते हैं हमारे ठीक है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है नौ जान लीजिए ठीक है अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ते हैं चार तीन चार मिनट बाकी है ठीक है आज यहाँ पे रुकते क्या क्या है थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रुकी जाते नहीं तो आधा अधूरा हो जाएगा आधे अधूरे में मजा नहीं आ जाएगा ठीक है कल से पूरा खींचेंगे भाई बराबर पूरा टाइम टाइम दो चार मिनट भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे बाय 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 बायर गाइज आई होप यू लव लेक्चर यू एन्जॉयड द लेक्चर आपके दिलो दिमाग में एकदम तृप्त हो गए हो आप तृप्त हो गए हो खुश हो गए हो क्या बा नॉलेज है क्या फ्लो है क्या अंडरस्टैंडिंग है क्या चार्ट है मजा आ गया है और अब मैं ऑडिट को फोड़ दूंगा अब मैं ऑडिट में जोरदार काम करूंगा ठीक है एकदम तोड़फोड़ कर दूंगा ओके गाइज बाय बाय शप